Yes. Hello, good evening. Again. Hello everybody, good evening. So welcome to the joint session with me and Anand Mani sir. हम लोग NTA pattern का mock test discuss करेंगे और देखते हैं तुम लोगों को कितना आता है, क्या पढ़ के आए हो तुम लोग. एग्जैक्टली गाइज, तो देखो आज ज्वाइंट सेशन है बायोलॉजी का, तो पूरे मॉक टेस्ट के हम लोग 90 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आप लोग थोड़े उसी स्पीड से आंसर दीजिए ताकि 90 क्वेश्चन टाइम पे हो जाए. तो हेलो, हाय, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आर वी विजिबल एंड ऑडिबल टू यू? विजिबल तो है, ऑडिबल देख लेते हैं. एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओके ओके ओके. आप हमारे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं. टेलीग्राम पे कनेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि आपको इस सब का जो भी हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे उसका PDF मिल जाएगा, साथ में जो भी यहाँ पे क्लासेस होती हैं उसका टाइमिंग शेड्यूल आपको वहाँ पे मिल जाता है. टीचर्स वहाँ पे बताते रहते हैं कि कौन सी क्लास कब होगी. एग्जैक्टली ठीक है. तो बाकी तो हमारा प्लस प्लेटफॉर्म आपको पता ही, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म है. ठीक है, जहाँ पे इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे आपको क्विजेस, लाइव सेशंस, सब कुछ आपको मिलता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, आप लोगों को सब कुछ पता है. ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे रिविजन कोर्सेज चल रहे हैं सारे टीचर्स के. ठीक है, तो आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू रिवाइज. तो फटाफट आप टेलीग्राम ऐप, ये अनअकैडमी प्लस के ऐप पे आ जाओ और अनअकैडमी प्लस पे, दीज आर द टीचर्स हु आर टीचिंग यू ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म. एंड यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाता है. ठीक है, प्लस पे आने के लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप इंस्टॉल करना है. ठीक है, प्लस पे आओ. प्लस पे आओगे, आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है. अगर इफ़ यू आर 2020 में एग्जाम दे रहे हो, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो, नीट 21 में दे रहे हो. ठीक है, एंड यू हैव टू यूज़ द रेफरल कोड प्लेसिबो. अब ये देखो, ये हमारे चैनल का रेफरल कोड है, जिसको आप यूज़ करेंगे ना आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे. आप रितु मैम से पढ़ सकते हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं, प्लस 40+ टॉप एडुकेटर से आप इस प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं. तो फटाक से आप प्लस पे आ जाओ. ठीक है, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, चूज द, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन जल्दी फटाफट और सबको शेयर करो यार. 97 लोग ऐसे तौहीन कर रहे हो हम लोग का तुम. ठीक है, फटाफट शेयर करो मैम. भाई लोग आ जाओ, जो लोग ऑनलाइन नहीं है जरा शेयर करो इसको सेशन को. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भाई, देखो गिवन बिलो इज द गिवन फिगर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. अब देखो कौन सा है, बहुत इजी बच्चा वाला क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाक से आंसर दे दो भाई. ट्राइंग क्या है भाई? अच्छा जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी जल्दी गाइस, बफर कर रहा है शायद इनको इमेज इज बफिंग. चलो कोई नहीं, चलो आज मैनेज कर लो यार, अब जब दो टीचर पढ़ा रहे हैं कुछ ना कुछ होगा ही. चलो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लो. हाँ जी, समवन इज सेइंग बी, समवन इज सेइंग डी, समवन इज सेइंग फर्स्ट ऑल्सो. देखो भाई आंसर क्या है, आंसर क्या है भाई, चलो देखते हैं. तो क्या है भाई, गिवन बिलो इज द गिवन फिगर, ये वाला क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम. ठीक है, ये तुम्हारा आ गया कैनोवियस सटाइवा और ये तुम्हारा आ गया धतूरा. तो कौन सा भाई, अ स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजन ड्रग LSD इज ऑब्टेन फ्रॉम फिगर सी. हेलुसिनोजन क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस क्लेविसेप्स से होता है. तो दिस आंसर इज इनकरेक्ट, हमको क्या बताना है, करेक्ट बताना है. यहाँ पे वी हैव टू चूज द करेक्ट वन. ठीक है, द फ्लावर टॉप लीव्स बर्ड्स एंड रेजिन ऑफ फिगर बी इज यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मेरुआना, हशीश, चरस और गांजा. तुम लोग तो बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए इन सब चीज़ों से. ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही. ठीक है, ओपोइड्स के लिए ए आ जाएगा फिगर सी, पेपेवर सोमनीफरम और कोकेन क्रैक और सोस, ये आ गया, ये फिगर ए नहीं होगा, ये होगा इरिथ्रोजाइलम कोका, है ना. तो ये हो गया तुम्हारा, तुम लोग को पता होगा एरिथ्रोजाइलम को का. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट आंसर. किसके किसके सही है भाई,
देख लो, बी मेजोरिटी ऑफ यू आर सेइंग बी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन हम लोग थोड़ा धीरे चलेंगे, उसके बाद बफरिंग भी ठीक हो जाएगा और हम लोग का स्पीड भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन मैम। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आइए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, देखेंगे एक बार जल्दी से। विच इज करेक्ट मैच फॉर इंडिकेटिंग पॉइंट्स विद द गिवन इवेंट्स रिगार्डिंग डायग्राम, इन चारों में से कौन सा सही है, करेक्ट ढूंढना है आप लोगों को। लीजिए 15 सेकंड लीजिए जल्दी से। विवेक चौधरी, मेरे रिकॉर्डेड सेशंस बेटा सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी का एक आधा चैप्टर है जो रिकॉर्डेड नहीं है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है जो कि अभी मैं लाइव कराऊंगी, बाकी सब कुछ रिकॉर्डेड है प्लस पे। चेक करते हैं कौन सा सही है। बी, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होलोब्लास्टिक क्लीवेज अलोंग विद द सिंथेसिस फेस, ये नहीं बनेगा। नीचे से स्टार्ट करते हैं। इम्प्लांटेशन अकर्स इन मोरूला स्टेज, मोरूला स्टेज में थोड़े भी होता है इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, तो ये तो गलत हो ही गया। अब देखते हैं सेकेंड, मियोसिस टू कंप्लीट एंड फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड जाइगोट। ए में बेटा जी, जब मियोसिस टू कंप्लीट होता है तो हैप्लॉइड जाइगोट थोड़े भी बनता है, हैप्लॉइड एग बनता है ना, ओवम बनता है ना, तो ये वाली बात गलत हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी सही है कि मियोसिस टू इज कंप्लीट विच वॉज अरेस्टेड इन मेटाफेज टू, जो मेटाफेज टू में अरेस्टेड मियोसिस टू थी वो पूरी हो जाती है जब ये जो स्पर्म है वो एंटर करता है ओवम के अंदर। सो आंसर हमारा टू बन गया। आइए सर तो चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलो तुम लोगों ने अच्छा आंसर दिया, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, कीप इट गोइंग। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप 340+ ले आ रहे हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपको इसमें अगर 340+ आप ला रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, चलो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या है भाई तीसरा क्वेश्चन? इफ यू आर ए कार्डियोलॉजिस्ट, देखो डॉक्टर बना दिया गया आप लोग को अभी, तो यू हियर लव एंड डव साउंड ड्यूरिंग द हार्ट बीट ऑफ अ पेशेंट, वॉट इज द रीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस साउंड। जल्दी जल्दी आंसर बता दो। ठीक है, दो जो हार्ट साउंड आप सुनते हैं, वैसे तो चार हार्ट साउंड होता है, S1 S2 S3 और S4, तो आप लोग को अभी दो ही पढ़ना है, तो जो दो हार्ट साउंड आप पढ़ते हैं वो क्यों होगा? ठीक है, कैसे होता है ये हार्ट साउंड, जल्दी जल्दी आंसर देके बताओ भाई, जल्दी फटाक से आंसर करो भाई। थ्री, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ यू आर सेइंग सी, आलोक इज सेइंग सी, अश्विन इज सेइंग सी, गुलाम इज सेइंग सी, नीट एस्पायरेंट इज सेइंग सी, कृतिका इज सेइंग सी, सरंग इज सेइंग सी। चलो जब इतने बच्चे बोल रहे हैं तो देख लेते हैं आंसर क्या है। तो क्या है भाई तुम्हारा, ये पता है लव साउंड क्यों होता है? लव साउंड होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। कौन सा वाल्व होता है क्लोजर? तो क्या होता है, ये मेरा अगर मान लो दिल है, ठीक है, अब ये रितु मैम के द्वारा डायग्राम मुझसे बनेगा नहीं, ठीक है, तो ये तुम्हारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो होता क्या है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो मेरा तुम्हारा एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व क्लोज कर जाता है, राइट, एंड ब्लड फ्लोज इन टू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, राइट। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये डायस्टोल पे जाता है तो फिर सेमी लूनर वैल्व मेरा क्लोज कर जाता है ना। तो ये दो, क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व एंड फॉलोड बाय सेमी लूनर वैल्व, बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, तो थ्री इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे हम लोग बॉल बॉल खेलेंगे, एक सर कराएंगे क्वेश्चन, एक मैं कराऊंगी, अभी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे कि मेरा टाइमिंग क्या रहता है प्लस कोर्स का, 10 बजे सुबह का टाइमिंग रहेगा बेटा लाइव क्लास, नहीं तो अगर आप तब नहीं लगा सकते तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। चलो बेटा चौथा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फीचर्स, ये चारों फीचर्स रीड करो। आउट ऑफ दीज विच इज नॉट सूटेबल फीचर अकॉर्डिंग टू फ्लाइंग अडेप्टेशन इन बर्ड्स, फ्लाइंग अडेप्टेशन के लिए कौन सा नेसेसरी नहीं है, कौन सा फीचर नेसेसरी नहीं है, देखेंगे जल्दी से। दो माइक नहीं है बेटा, हमारे पास गरीब लोग हैं, एक ही माइक से ही काम चला रहे हैं। बच्चे पूछ रहे दो माइक है क्या। हाँ चलो चेक कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ, कौन सा फ्लाइंग अडेप्टेशन नहीं है देख लेते हैं। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये तो फ्लाइंग अडेप्टेशन, भैया बिना विंग्स के कैसे उड़ोगे। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, बिल्कुल सही है बेटा, लॉन्ग बोन्स हॉलो हैं तभी तो वो उड़ पा रहा है, हमारी लॉन्ग बोन्स हॉलो नहीं है। ठीक है, तो ये एक फ्लाइंग अडेप्टेशन है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स अलॉन्ग विद एयर सैक्स, एयर सैक्स बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है जिससे कि कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजनेटेड एयर मिलती रहती है बर्ड्स को। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर्स, क्रॉप और गिजर्ड, क्रॉप और गिजर्ड का फ्लाइंग से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है ना। सो आंसर बन गया हमारा डी, जिसका कोई रिलेशन नहीं है वही बताना था, ओनली 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 डी। सो सेकेंड आंसर बन रहा है आप लोगों का। आ जाओ सर जल्दी से। जी मैम, देखो ठीक है, तो पक्षी पक्षी देख लिए, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन कैसे होता है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको कोई गलत करेगा तो मुंह टूटेगा उसका, जल्दी जल्दी आंसर दो।
2 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दो यार, हम लोग का भी छुट्टी होगा जल्दी, 90 क्वेश्चन कराने हैं। फिर पैसे डोनेट कर देंगे माइक के लिए। ना ना, कर दो कर दो कर दो कर दो, बहुत जरूरत है भाई। कर ही दो डोनेट, सही बात है। तो हम लोग का डोनेशन प्लस सब्सक्रिप्शन से ही होता है। हाँ तो तुम प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो तो तुम वहाँ पे डोनेट कर दो, ठीक है? नहीं तो पर्सनल अकाउंट नंबर भी दे देंगे, वहाँ पे डोनेट कर सकते। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सभी एक्सेप्ट कैश एंड काइंड सब कुछ, ठीक है? चलो क्या है भाई, फोर्थ का 2 है, है? ऐसे करोगे तुम, फिफ्थ का आ रहे हो, अच्छा फोर्थ पे हो तुम लोग अभी तक, फिफ्थ का ए, अच्छा ठीक है, फिफ्थ का ए। स्नेहिता प्लस क्लास मेरा आज हो गया बेटा, कितना क्लास लेंगे? फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का सी भी कुछ लोग कह रहे हैं। अरे भाई सिंपल सा चीज़ है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन पहले तो है कि टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा नहीं, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा एंड न्यूट्रल सॉल्यूट्स के लिए होगा। पोलर है तो हाइड्रोफिलिक है, जा नहीं पाएगा, है ना? तो क्या हो गया भाई, तो वेन न्यूट्रल नॉन पोलर सॉल्यूट ऑब्वियसली मूव अक्रॉस द कंसंट्रेशन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो अगर अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो डिफ्यूजन है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, बताओ जरा एबीसी क्या है और करेक्ट ऑप्शन मार्क करोगे। लीजिए 15 सेकंड लीजिए, चलो। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे जब भी आंसर करो ना तो क्वेश्चन 6 लिख के फिर आंसर करो, मुझे पता नहीं चलता तुम कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। हाँ जी, ओहो 6th का F भी दे रहा है एक बच्चा आंसर, क्या बात है बेटा, जुगाड़ू बच्चे हैं। देखो इधर देखो, आओ करते हैं ये वाली चीज, गार्ड सेल है स्टोमेटा के जस्ट साथ वाला, तो मतलब बी गार्ड सेल होना चाहिए, बी गार्ड सेल इन दोनों में है, गार्ड सेल के साथ में जस्ट सब्सिडरी सेल रहता है, तो मतलब ए जो है वो सब्सिडरी सेल रहना चाहिए, कहाँ पे आ गया, ये आंसर बन जाएगा हमारा। और जो सी है जो उसके बाहर सेल है वो एपिडर्मल सेल होगा। देखो सबसे पहले गार्ड सेल, उसके साथ में सब्सिडरी, उसके बाहर एपिडर्मल सेल, सो अपना आंसर बन गया 2। आ जाओ सर, लो भाई, चलो हो गया तुम्हारा मोनोकॉट, है ना? चलो एक तो तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे प्लांट वांट आ गया थोड़ा थोड़ा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द गिवन एग्जांपल। अच्छा बहुत अच्छी बात है, देखो भाई क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है, सब एनसीईआरटी बेसिस पे क्वेश्चन है, सब जल्दी ले। और तुम लोग यार ऐसे नहीं चलेगा काम, 189 लोग ही हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? हेलो शेयर करो इसको जल्दी जल्दी। 6 का डी कह रहे हैं, 6 का बी कह रहे हैं, 6 का क्या है भाई? मैम आप बहुत खुश नजर आ रही हो, मैम हमेशा खुशी रहती हैं। डी 2 बी बी, ज़्यादातर लोग बी ही कह रहे हैं। चलो देखो क्या है भाई, क्या है, होमोजाइगस सेक्स क्रोमोजोम जेड जेड फीमेल, भाई क्या होता है, उल्टा होता है ना इसमें, इसमें तुम्हारा देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है? एक्सोटाइप ग्रास ऑफर हो गया, ये तो मेल हेट्रोगैमी है, ठीक है? एक्सोटाइप टर्नर सिंड्रोम है, डिटरमाइन फीमेल सेक्स, सेक्स डिटरमाइन नहीं करेगा ये तुम्हारा, ये स्टेराइल होती है फीमेल इसमें, है ना? और होमोजाइगस एक्स एक्स क्रोमोजोम प्रोड्यूसर्स मेल, एक्स वाई होगा, ये भी गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है? और होमोजाइगस जेड जेड तुम्हारा, तो आंसर हो गया इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? मैम कुछ पास है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ओहो हो, प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है ये, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं बेटा जी, देखो जरा एक बार और उत्तर देने की कोशिश करो, थोड़ा ज़्यादा समय ले लो, 15-20 सेकंड ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिख के आंसर करना बेटा, ठीक है? हाँ जी, ओहो हो, बीच में आ गई मैं, लो बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा। प्रिंस का सही है, सुब्रता का सही है, सारंग का सही है, अनिल जोशी का सही है, हाँ जी राजवंश का सही है, स्नेहिता का सही है, आयान का सही है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। ए क्या पे है कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। मुझे पता है मैंने ये यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया तो तुम लोगों को मुश्किल लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट जान लो टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, तो अपना आंसर इन दोनों में से एक बनेगा, ठीक है? बी क्या है, वैस्कुलर टिश्यू होता है कि नहीं टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट ग्रुप जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू आया था, तो प्रेजेंट आंसर आ गया, आंसर तो अपना बन गया 1, ठीक है? अब देखो लास्ट क्या है,
सी ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या रहता है, आर्चिगोनियम रहता है, और जिम्नोस्पर में फीमेल सेक्स ऑर्गन उसके में भी आर्चिगोनियम ही रहता है. सो आंसर हमारा वन बन गया. जिन बच्चों ने दिया था आंसर बिल्कुल सही दिया था. चलो आ जाओ सर अगला क्वेश्चन. भाई देखो इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, मुझे कुछ और आंसर लग रहा है और कुछ ऐसे आंसर. देखो तुम लोग क्या आंसर देते हो, आई थिंक इट इज़ अ बिट कॉन्ट्राडिक्टरी. अब इसमें देखो दोनों आंसर सही हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है, इसमें दो एक्सप्लेनेशन है. तो फटाक से चलो देखो आंसर क्या दे रहे हो तुम लोग, फिर हम लोग देखते हैं फिर क्या आंसर होता है एक्चुअली, ठीक है. चलो आ जाओ. वो इन लोग का नेट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे नेट ठीक है. फ्री क्लास नहीं चल रही कि बेटा, अभी दो दिन दिन से मैं स्पेशल क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है. स्पाइडरमैन लग रहे हैं, शाबाश. चलो आंसर बताओ भाई. ए कह रहे हो कुछ लोग बी कह रहे हो. मेरा मुझे जो आंसर लग रहा है वो कोई नहीं कह रहा. चलो ठीक है, तुम ही लोग का आंसर मान लेते हैं फिर तो, तुम लोग जागरूक हो. एक्चुअली मेरे हिसाब से मुझे लगता था ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना, बट चलो ठीक है. ये तो ठीक है बिल्कुल. इको सैंड टॉयलेट होता है क्या, कि मतलब एक कमोड बनाए, ठीक है, यहाँ पे पॉटी करके भर दो, फिर उसके बाद दूसरा वाला खाली करो और उसमें डाल दो, ठीक है, और दूसरे वाले को निकाल लो. तो ये इको सैंड टॉयलेट होता है, ये यूज़ होता है, वेरी नाइस, ठीक है. सैनिटरी लैंडफिल ठीक है, ये भी सही है. ब्लैक फूड डिजीज आर्सेनिक ये इंपॉर्टेंट है, ये आता हुआ भी क्वेश्चन में, ये भी सही है. एंड ग्रीन हाउस गैस देखो अगर बात करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में प्रेजेंट होता है, तो उस हिसाब से नेचुरल फिनोमिना है, बट ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट होता है. तो आई थिंक ए और डी दोनों चल जाता है, बट चलो अगर तुम लोग ए कह रहे हो तो ए ही मान लेते हैं आंसर, ठीक है. चलो बच्चों, विच इज अ मिसमैच इन द फॉलोइंग ऑप्शन. तीन हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी कहां से एक्सटिंक्ट हुए थे बेसिकली बात ये है, ठीक है. चलो देखो मिसमैच ढूंढना है बेटा जी. दसवें क्वेश्चन का उत्तर हाँ जी, दसवें क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ दिशा जैन ने अभी तक सही दिया है, नीट एस्पिरेंट ने सही दिया है, शिमला मिश्रा ने सही दिया है, अच्छा सीमा मिश्रा ने, शिमला नहीं सताक्षी ने सही दिया है, बॉन एपितित ने सही दिया है, कैसे कैसे नाम रखते हो. बी मोटिवेटेड ने सही दिया है, एफ एच सभा ने दिया है. देखो देखो देखो, डोडो मॉरिशस से गायब हुआ था बिल्कुल सही है, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया से गायब हुआ था बिल्कुल सही है, क्वागा रशिया से गायब नहीं हुआ था, ये अफ्रीका से गायब हुआ था. सो अपना मिसमैच आ गया ओनली टू. इजी क्वेश्चन, इकोलॉजी अगर पढ़ी होगी एनसीईआरटी से जरूर आ जाएगा, नहीं पढ़ी है तो मेरे इकोलॉजी के लेक्चर तुम प्लस पे लगा सकते हो ये वाले, और तुम लोगों को सब कुछ आने लगेगा उसके बाद. आ जाओ सर, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन के क्वेश्चन होते हैं, तुम लोग ना बायो में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ लेते हो, उस पर रहो. देखो वाह, इससे इजी क्वेश्चन क्या बनेगा भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट प्रोड्यूस बाय सिगरेट स्मोकिंग, बता दो. इसमें कुछ है ही नहीं, फटाफट बता दो. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट प्रोड्यूस बाय सिगरेट स्मोकिंग. तुम लोग दो चीज़ में कन्फ्यूज करोगे इसमें, तुम लोग इसमें दो चीज़ में प्रोड्यूस करो कन्फ्यूज करोगे, तुमको ऑप्शन सी और डी में आप लोग कन्फ्यूज करेंगे. बताओ इसका, मैं रीज़न बताऊंगा क्यों होता है इसका. चलो हमको पता था इलेवेंथ का, अच्छा टेंथ पे ही अटके हो तुम लोग अभी. अरे मैम को खुश रहने दो भाई, क्या दिक्कत है मैम के खुशी से. रहने दो मैम को खुशी, देखा नहीं जा रहा. हाँ जी स्टेलर सी का रशिया होता है बिल्कुल. क्या इलेवेंथ का आंसर सर जी सी, इलेवेंथ का आंसर सर जी ए. ए हे भगवान यार, ऐसे करोगे. सी और डी देखो समझो, भगवान का दिया हुआ है थोड़ा इस्तेमाल किया करो उसमें. क्या होता है देखो, सिगरेट स्मोकिंग में क्या होता है, निकोटीन होता है, ठीक है ना. अब देखो निकोटीन में क्या होता है, अब एक चीज़ समझो इसमें, थोड़ा सा डॉक्टरी समझ लो. इम्फाइसिमा और ब्रोंकाइटिस तो होगा ही, लंग को इफेक्ट करा है डायरेक्टली स्मोक, ठीक है, तो क्रॉनिक इम्फाइसिमा और ब्रोंकाइटिस तो होगा ही, ठीक है. अब इन दोनों में तुमको दिक्कत था, इन दोनों में दिक्कत था. क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स तुम्हारा ये लिवर में होता है, बट अगेन लिवर सिरोसिस क्यों होता है, ड्यू टू फैटी लिवर. लिवर में जब या तो अल्कोहल आ जाएगा या फैट आ जाएगा तब होता है. सिगरेट स्मोकिंग से कहाँ से फैट आएगा, ठीक है. सो दिस ऑप्शन यू कैन एलिमिनेट एंड द करेक्ट आंसर वुड बी डी, ठीक है. व्हाई नॉट यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर का एपिथेलियल लाइनिंग निकोटीन स्टोर करता है, और उस निकोटीन स्टोर करने की वजह से मेटास्टासिस हो जाता है उसमें, और कैंसर होता है. यूरिनरी ट्रैक कैंसर is due to this, ठीक है. तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा, किसी का सही नहीं आया था शायद.
हाँ जी बच्चों, इन ये तो कतई आसान क्वेश्चन है, वो स्ट्रैटेजीज इन फूड इन्हेंसमेंट वाला क्वेश्चन है। इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर मोइट MOET, इससे आसान क्वेश्चन, मैनी एग्स आर प्रोड्यूस्ड, कितना एग प्रोड्यूस होता है। देखो एक नॉर्मल काओ का जो साइकिल होगा उसमें एक एग प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर हम MOET टेक्निक करेंगे तो वो कितना एग प्रोड्यूस करेगी एक साइकिल में, ये क्वेश्चन है। सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं ना इसको, मोर देन वन एग जब रिलीज हो रहा है, तो सुपर ओव्यूलेशन में कितने एग्स रिलीज हो रहे हैं बताइए। इजी क्वेश्चन, 2 सेकंड के अंदर आंसर दो इसका। वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी का सही है, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑलमोस्ट सभी का सही है। आदित्य कुमार ने गलत क्यों दे दिया, अरे अरे आदित्य कुमार क्या बात हो रही है। 6 to 8 eggs, 6 to 8 eggs दिया हुआ है NCERT में, दिया हुआ है बेटा, गलत क्यों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, दो कर्वेचर किसमें होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बता दो भाई। बोन का ये तुम्हारे NCERT वैसे नहीं दिया हुआ है तो माई बैड, बट ठीक है इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें। अगर स्ट्रक्चर तुमको पता है, दिया है क्लाविकल, अच्छा दिया है तो मैम बोली रही, दिया है तो फिर दिया ही है, ठीक है बहुत इजी है, जल्दी बता दो क्या है। फोर्थ, हाँ जी जल्दी 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 क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दो भाई। अच्छा थोड़ा स्लो चल रहा है इनका, 12th पे हैं लोग। अच्छा अच्छा आगे, हाँ ठीक है, मेरा थोड़ा पीछे था मैम। हाँ स्टूडेंट्स आर सेइंग ए, ठीक है चलो यार अगर ए कह रहे हो तो देखते हैं, ठीक है सही तो बोल रहे हो, अगर ए कह रहे हो तो ठीक है ना। दो क्लाविकल होता है, ठीक है क्लाविकुलर फैकेट देखे हो गए ना, तो उसका दो कर्वेचर होता है तुम्हारा, एक एक्रोनी प्रोसेस से जुड़ जाता है, ठीक है तो ये आपका आंसर ये ठीक है। यूमरस में तुम्हारा एक ही कैविटी हो जो वहाँ पे आ गया तुम्हारा ग्लेनॉइड कैविटी वाला, तो ये नहीं होगा, फेमर वाला भी नहीं होगा और इलियम भी नहीं होगा, ठीक है ए इज द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन। ओहो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से, पहचानो जरा ये कौन है, खूबसूरत बालाएं और बताओ नाम, बस नाम बताना और कुछ नहीं है। लो 5 सेकंड के अंदर आंसर करो इसका, NCERT का एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा जी। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 लिखो और आंसर करो साथ में, मैं भी देख लेती हूँ एक बार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, आदित्य कुमार, संतोष, जिक्सो, कल्याण बिल्कुल सही है, अमीशा सही है, कनक सही है, रोहित सही है, भाई लोग तुम सभी सही दे रहे हो यार, पर सबका नाम नहीं ले पाऊंगे यार, बहुत जल्दी जल्दी नाम चले जाते हैं। देखो ये देखते ही पहचान जाओ यार, ये लैम्प्रे है उसकी है, ये क्या है जो सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा की मेंबर है, ठीक है ये प्रिस्टिस है, सॉफिश है, ये अपना बाकी तो देखने की जरूरत नहीं, सीधा लैम्प्रे, ए का लैम्प्रे सिर्फ एक ही में है, बाकी एक ही में लैम्प्रे है ही नहीं है, ठीक है अपना सीधा ही आंसर बन जाता है फोर्थ। यार थोड़ी आबादी बढ़ाओ, भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हमारे क्लासेस में क्यों कम है, चलो आबादी बढ़ाओ थोड़ी। हाँ जी क्या है, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर इंक्लूडेड इन द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, व्हाई, इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्या ही पूछोगे, चलो जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है गुड जॉब यार, एक बार वो थोड़ा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दिया करो, और कुछ लोग पीछे चल रहे हैं जो 13 का भी आंसर दे रहे हैं, अपना थोड़ा उसको बढ़ा दो, ठीक है चलो 15 का सी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 15 का आंसर सी है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स सबका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर होगा नहीं, फंक्शन सिमिलर होगा नहीं, ठीक है और ये ओरिजिनेशन वाला भी नहीं है, ठीक है तो सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 16, जनरली द फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है एंड इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शन क्या है, 5 सेकंड के अंदर आंसर दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्लांट रिप्रोडक्शन से, बोलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 16। ओहो जिंदाबाद के नारे लगते रहते हैं, थैंक यू, इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं। हाँ जी हाँ जी, रोहित का सही है, बॉन एपिथित का सही है, सारंग का सही है, करीम, अश्विन, ऑलमोस्ट सभी का ही सही है, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं सभी का ही सही है। देखो फिलीफॉर्म एपरेटस मिलता है सिनर्जिड में, ऐसे होता है ना, यहाँ पे सिनर्जिड है, यहाँ पे सिनर्जिड है, यहाँ पे एग सेल है,
तो सिनर्जिट का ये जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, और वो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ डायरेक्ट करने के लिए होता है. पोलन ट्यूब यहां पे आके दो मेल गैमेट रिलीज करती है. सो आंसर बन गया अपना 2. इजी क्वेश्चन था. चलो अगला क्वेश्चन देखो. इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू. यार जल्दी बता दो इसमें क्या ही सोचना. हाँ जी जल्दी जल्दी फटाक से आंसर बताओ. 17th का ए ए ए ऑलमोस्ट एवरी वन इज सेइंग द करेक्ट आंसर. ऑलमोस्ट क्या सबका ये सही है. ठीक है भाई, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तुम्हारे प्रमोटर सीक्वेंस के साथ, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है बिल्कुल सही, ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग. ठीक है चलिए, ये थोड़ा सा हो सकता है तुम लोगों को डिफिकल्ट लगे. इन अ मॉस प्लांट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतना है लीफ में, ठीक है. सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नेक कैनाल सेल स्पोर्स एंड कैप्सूल सेल. ये हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा है ना. चलो करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सही इस बच्चे ने दिया. आर के प्रोडक्शन बिल्कुल सही दिया है. जारिफ ने बिल्कुल सही दिया है. वैभव ने बिल्कुल सही दिया है. और अनिष्का ने सही दिया. आमिर आमिर का गलत हो गया है. सबा का सही है. बाबू तुलसी का सही है. आओ 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 डिस्कस करते हैं, आओ डिस्कस करते हैं. देखो मॉस का जो प्लांट बॉडी रहता है वो गैमेटोफाइट रहता है. जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, ठीक है. सो जो गैमेटोफाइट रहता है वो एन रहता है, ठीक है. तो अगर हम बात करें नेक कैनाल सेल की, तो नेक कैनाल सेल बेसिकली आर्चिगोनियम का पार्ट है. तो प्लांट बॉडी में यहाँ पे आर्चिगोनियम रहेगा, ठीक है. तो जो भी आर्चिगोनियम रहेगा वो भी जो प्लांट बॉडी है वही रहेगा. तो नेक कैनाल सेल का भी 30 ही रहेगा. देन स्पोर्स कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ पे देखो. आर्चिगोनियम में यहाँ पे एग होएगा, यहाँ से स्पर्म स्विम करता हुआ आएगा. एग और स्पर्म यहाँ पे मीट करेंगे, जाइगॉट बनेगा. फिर इस जाइगॉट से पूरा स्पोरोफाइट बनेगा इस तरीके से, फुट सीटा कैप्सूल से. स्पोरोफाइट जो है वो 2N रहेगा, तो मतलब स्पोरोफाइट पूरा 60 रहेगा. इसके अंदर स्पोर बनेगा मियोसिस से, तो जब मियोसिस से स्पोर बनेगा तो फिर से 30 हो जाएगा. सो स्पोर इज ऑल्सो 30. एंड अगर बात करेंगे कैप्सूल, कैप्सूल पूरा 60 रहेगा. सो 30 30 60 आंसर बन जाएगा. इसके लिए आपको लाइफ साइकिल पता होना चाहिए बेटा. चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है भाई अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है करेक्टली मैच्ड ऑप्शन. इसमें देखो कौन सा करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है. इजी क्वेश्चन है अगेन. ठीक है चलो जल्दी जल्दी बता दो क्या ही होगा तुम लोग का भाई. हाँ जी 19, जल्दी जल्दी फटाक से. 19th का सी. अच्छा ठीक है, 19th का डी भी बोल रहे हो. 5 कौन सा ऑप्शन आ गया वेदांत. ए सी 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 ऑप्शन रॉन्ग है. अच्छा शाबाश, देखो क्वेश्चन एनालिसिस भी कर रहे हो. चलो देखो क्या है भाई, तुंद्रा बायोम, तुंद्रा बायोम में तुम्हारा नीडल लीफ नहीं हुआ, तुंद्रा तुम्हारा जो हो गया बर्फ वाला हो गया. ठीक है टियागा यहाँ पे आ जाएगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट. अच्छा ये इसके बारे में जान जाओ, ये लार्जेस्ट लैंड बायोम है. ठीक है लार्जेस्ट लैंड बायोम है, इसको लिख लेना. ठीक है लार्जेस्ट लैंड बायोम. ठीक है सवाना ग्रासलैंड शेयर हुए देखोगे डिस्कवरी चैनल में, सवाना ग्रासलैंड में ही होता है. तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये आपका सही है बिल्कुल. ठीक है कोल्ड डेजर्ट तुम्हारा गोबी डेजर्ट कोल्ड होगा, थार तुम्हारा हॉट डेजर्ट है. ठीक है ये कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल आता है गोबी डेजर्ट तिब्बत में या स्पीति वैली है ना. अभी 8 को मैं वहीं जा रहा हूँ तो ठीक है चलो जी मैं. सही में जा रहे हो? हाँ सही है, बढ़िया. ओहो फिर से एक और टेबल वाला क्वेश्चन है. बताओ C3 और C4 प्लांट्स के बारे में क्या सत्य है, जल्दी से बताओ बेटा. C3 और C4 प्लांट्स के बारे में क्या सत्य है मेरे बच्चों. हाँ जी हाँ जी, रोहित राज का सही है, नीट एस्पिरेंट का सही है, कनक का सही है. ये सी वाले, इतने बच्चे सी वाले कहाँ से आ रहे हैं भैया, सी वाले कहाँ से आ रहे हैं बच्चे. ये जो C3 C4 साइकिल नहीं पढ़ा है वो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं. आदित्य कुमार का सही है, नितिन का सही है,
सोनी लाइव टीवी का सही है, देखो क्या कर रहे हो तुम लोग, इधर देखो। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 में कौन है, RUBP है, तो RUBP में ये या ये आंसर आएगा, ठीक है। C4 में भैया प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEP होता है ना, PEP होता है ना, OAA नहीं होता, OAA तो प्रोडक्ट होता है जो सबसे पहले प्रोडक्ट बना है, सो PEP है ना बेटा, आंसर अपना 4 बन गया ना यहीं से, ठीक है। देन नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2, RUBP 5 कार्बन वाला होता है, 5 आ गया। एंड रुबिस्को इन मीजोफिल सेल्स, इसमें रुबिस्को मीजोफिल में नहीं होता, बंडल शीथ में होता है, तो नो आंसर आ गया, आंसर अपना 4 बन गया। ऐसे गलत नहीं करने बेटा, ये तो यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया है। चलो अगला सवाल, वेरी इजी क्वेश्चन, मैं किस्मत अच्छा है यार, सारा एनिमल वाले क्वेश्चन सब आ रहा है, बढ़िया। चलो अगला सवाल, हाँ जी जल्दी, तुम लोगों गाना वाना भी सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा, सही है, हाँ जी बी कह रहे हो, चलो देखते हैं। हाँ चलो, इसका पहला बी और डी में से ही हो जाएगा, यहाँ पे तो यहीं पे आ गया, ठीक है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, ठीक है। मलेरिया तुम्हारा हीमोजोइन रिलीज होता है ना, टॉक्सिक जो RBC रप्चर करता है तो हीमोजोइन रिलीज करता है, जिस कारण फीवर और चिल्स होता है। एंड एमीबॉयसिस में स्टूल या ब्लडी स्टूल हो सकता है या म्यूकस आ सकता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो 1 का 4, 1 का 4, 2 का क्या है, 2 का 3 है ना, हाँ 2 का 3, तो 1 का 4, 2 का 3, इन दोनों में फिर आ गया 3 का 5, 3 का 5 यहाँ आपका आंसर आ गया, 20 द करेक्ट आंसर है ना, 20 द करेक्ट आंसर। चलो भाई लोग, 22 मैच द कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट, ये तो इजी है, कतई इजी है, चलो अभी के अभी करो, हाँ जी 22 लिख के आंसर भेजेंगे बेटा। 2017 का पेपर है ये, नहीं भाई 2017 का पेपर तो NTA ने चिपकाया है, ये वो नहीं है। हाँ जी हाँ जी, चलो करके देखें, आंसर मैंने बनाया नहीं है, अभी बना लेते हैं, चलो आओ देखते हैं। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, बाइल सॉल्ट्स लिपिड्स को हेल्प करेगा डाइजेस्ट करने में, रेनिन मिल्क प्रोटीन्स के लिए, और पेप्सिन वैसे जनरल प्रोटीन्स के लिए, आओ चेक कर लेते हैं। A का 3, B का 4, ये तो सेम ही है, C का 2, तो अपना आंसर बन गया 1, ये तो कतई इजी क्वेश्चन है ना डाइजेस्टिव सिस्टम से। चलो हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, करंट मारते हैं मैम ये, क्या बात कर रहे, हाँ सीरियसली या तो एनीवे चलो हाँ ठीक है। देखो भाई क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ सिनोवियल जॉइंट इन ह्यूमंस, देखो भाई, हाँ जी जल्दी जल्दी, 290 हो गया यार, 300 क्रॉस करो, ऐसे काम नहीं चलता है, सब मजाक करके रखे हो तुम लोग। हाँ जी क्या है, 23 है ना, हाँ 23 का, इतना इजी क्वेश्चन आएंगे बेटा, इससे भी इजी क्वेश्चन आएंगे, पेपर देखे थे 2019 का, ठीक है टेंशन मत लो। अच्छा इसलिए शोर हो रहा है क्या, अच्छा सॉरी शक्तिमान, चलो अगला, हाँ जी बी कह रहे हो, ए कह रहे हो, डी कह रहे हो, अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो, देख के आंसर पता चला है। स्कल बोन में क्या होता है, सूचर, इमूवेबल जॉइंट होता है, तो इसमें फ्लूइड होगा नहीं, खत्म बात यहाँ पे, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन, एटलस और एक्सिस, C1 और C2 के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट होता है, जो मेरा सिनोवियल जॉइंट है, तो यही स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिम्फ है, यहीं पे खत्म हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट भी तुम्हारा सिनोवियल जॉइंट है ना, ग्लाइडिंग जॉइंट भी तुम्हारा सिनोवियल जॉइंट है, तो यहाँ पे लिम्फ हो गया। यहाँ पे क्या है, फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स, कार्टिलेज कहाँ से आ गया भाई, तो ये भी यहाँ पे चला गया, तो ये भी सिनोवियल जॉइंट था, बट यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20 द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बच्चे कह रहे हैं मैम सर को पेन दे दो, एक ही पेन है हमारे पास पेन भी ना, तो मेरा मेरा स्टूडियो है, तो मैं पेन भी नहीं दूंगी सर को, तुम दे तुम पेन स्पॉन्सर कर सकते हो। चलो, हाउ मेनी इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट अबाउट द गिवन एनिमल, पहले तो पहचानो जरा ये है कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, और फिर इसमें से बताओ कितने उसके लिए सही हैं स्टेटमेंट्स। चलिए 24 करके आंसर करेंगे बेटा। चेक करूं, गरीब लोग हैं मानवी जा, क्या करें बेटा सबके यही हाल है।
आओ चलो डिस्कस करते हैं। ये भाई लोग लीच है, लीच कहाँ आती है? एनेलिडा में। अब अपने को एनेलिडा के फीचर्स पता होने चाहिए, है ना? देखो एनेलिडा में ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, रेडियल सिमेट्री नहीं है, तो ये तो गलत हो गया अपना, ये गलत हो गया। मेटामेरिकली सेगमेंटेड है ये, सिलोमेट भी है, तो ये सही हो गया। फ्लेम सेल्स बकवास, फ्लैटवर्म्स में होता है। सैंग्विनिवरस खून चूसने वाली है, बिल्कुल है। लेटरल अपेंडिजेस फॉर पैरापोडिया बिल्कुल भी नहीं है, पैरापोडिया सिर्फ अपने नीरस के पास होते हैं, है ना, और किसी के पास होते नहीं। क्या निकालना है? आर करेक्ट, करेक्ट इसमें से सिर्फ दो हैं, तो आंसर बन गया टू। सही है, चलो बोलना डायग्राम क्लियर रखो। सेल्फी ऐसे ही ले रहा है ये ना, अब लीच तो ऐसा ही तुमको डायग्राम मिलेगा। चलो अगला, तुम लोग का एक्सपेक्टेशन कितना ज़्यादा रहता है भाई। चलो अगला, सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए, ठीक है, फॉर्म से चेन, हजारों बार आया होगा क्वेश्चन, इसको तो गलत करना भी मत बेटा। 90 क्वेश्चन है, तुम लोग जितने स्पीड से आंसर दोगे हम लोग का भी जल्दी छुट्टी होगा, जल्दी आंसर दो। क्या है भाई? 25th का ए, ऑब्वियसली सबको पता है, ठीक है ठीक है, तो बढ़िया है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। सेवरल आरएनए अगर सिंगल एमआरएनए से जुटा है तो उसको हम पॉलीजोम कहते हैं। एक्सोनीम तुमको पता है, बेस होता है फ्लैजेला का, मीजोजोम भी पता है ना, तो बाकी समझदार हो तुम लोग। ए इफ अ पॉलन ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू द सेम प्लांट, बताओ जरा क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ो और सही उत्तर करो। पहले ही क्वेश्चन देख के उत्तर नहीं कर देना है, पूरे चारों क्वेश्चंस पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो। हाँ जी, हाँ भाई लोग, करो डिस्कस, बोलो बोलो बोलो। 26 लिखो, हाँ जी 26 का ये बच्चा सही बता रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सुमा का सही है, अरे रे, शुभम का सही है, सबा का सही है, सरोज का सही है, अंशिका का सही है। आओ ज़रा देखते हैं, आओ देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है, इसका एक फ्लावर यहाँ पे है, इसका एंथर से पोलन ग्रेन निकल के इसमें चला गया है, ठीक है, तो सेम प्लांट है। अब देखो सेम प्लांट में उसका जेनेटिक मेकअप तो सेम रहेगा, सो जेनेटिकली तो सेल्फ पोलिनेशन ही है ये, लेकिन फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि फंक्शनली आप सेल्फ पॉलिनेशन तब कहते हो जब सेम ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा हो, अब दूसरे फ्लावर में जाके पॉलिनेशन हो रहा है, सो फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली तो सेम है ना, सो आंसर अपना 3 बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचना था इसमें और कुछ नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या है भाई अगला क्वेश्चन? ओ लो, फिर इजी क्वेश्चन है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी शक्तिमान मैम, शाउट आउट फैजान सईद। आप नाम लो सर, हम सब। हाँ नहीं, एकदम डन 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 डन। और यार एक चीज बताओ, अभी अभी हम लोग ज्ञान दे रहे होते मैम कैन आई क्लियर नीट इन 3 मंथ्स, तो अभी 6,000 लोग आ जाते हैं, और अभी तुम लोग ऐसे पढ़ने के नाम पे तुम लोग का हालत खराब हो जाता है, ऐसे कैसे चलेगा भाई? सी कह रहे हो, आंसर तो ईजी है। देखो क्या है, हेलिकेज क्या होता है? ब्रेकअप कराता है ये, मतलब मान लो कि अगर डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड स्टैंड है वो है, तो उसको हाइड्रोजन को, उसको हेलिक्स को तोड़ता है, डीएनए हेलिक्स को तोड़ेगा तुम्हारा हेलिकेज, ठीक है। टेम्पररी उसको सुख जो देता है वो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन देता है, ठीक है, कि भाई ब्रेकअप के बाद तुम लोग फिर से रिबाउंड ना करो, तो उसके लिए पैचअप के लिए तुम्हारा एसएसबीपी काम करता है। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर हो गया, और रो फैक्टर टर्मिनेशन फैक्टर हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, रो फैक्टर आपका टर्मिनेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। चलो बेटा, लिस्ट ऑफ सम प्लांट्स इज गिवन बिलो, हाउ मेनी आर मोनोशियस फ्रॉम दीज, ये तो सर ही बताएंगे। आप ही बताओगे ये तो? कौन सा? नहीं 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 सर, बता ही दो, बता ही दो। कौन सा भाई? हाउ मेनी ऑफ द प्लांट्स गिवन बिलो आर मोनोशियस, कारा मोनोशियस होता है ये, तो ठीक है। हाँ, कारा तो मोनोशियस है इसका, देखें ये मोनोशियस है, ये वाला मोनोशियस नहीं है, मर्चेंटिया में अलग अलग होता है आर्किगोनियम और ये, ठीक है। तो आई एम टेकिंग माय गैस 1, 2, 3, 4, इसका आंसर स्पैग्नम मैम मोनोशियस है या वो है मुझे पता नहीं, कारा तो ये ठीक है, मर्चेंटिया ये तो मैंने आज ही पढ़ाया, तो मेरा प्लांट किंगडम इसका आंसर ठीक हो गया। बताओ तुम लोग क्या बोल रहे हो कमेंट में, कौन कौन सा है?
पांच ही है ना, 1 2 3 4 ही है। हाँ, 4 कह रहे हो, कुछ लोग 4 कह रहे हो, 4 कुछ लोग ए कह रहे हैं। ट्रोपोमाइसिन एसएसबीपी नहीं बाबू, ट्रोपोमाइसिन और एसएसबी प्रोटीन अलग है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन डिफरेंट होता है। मर्चेंटिया कारा पाइनस, मर्चेंटिया तो बाबू वो है ना, मर्चेंटिया तो तुम्हारा आर के अलग अलग होता है उसमें। क्या 3 साइकस इज डायसियस, साइकस हाँ ठीक है, साइकस भी तुम्हारा डायसियस है, तो आंसर तुम्हारा है 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक बोल रहे हो। तुम्हारा ये साइकस तुम्हारा, पाइनस तुम्हारा मोनोशियस है, ठीक है, हाँ ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। और देखो यार तुम्हारा दो दिक्कत क्या है कि दोनों टीचर हम लोग जुआलजी वाले हैं, ठीक है, बॉटनी के लिए दो अच्छे अच्छे टीचर आए हुए हैं, ठीक है, हम दोनों पढ़ के पढ़ाते हैं। मैं भाग गई थी जब मैं क्वेश्चन नहीं आ रहा। देखो देखो ये ऑनेस्टी देखो हम लोगों का, कि हम लोग क्वेश्चन देखने के बाद आंसर की नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो तुम्हारा टीचर पढ़ा लिखा है इस पर भरोसा कर सकते हो। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लो एक अब इस बार मेरा नंबर आ गया। आई बट पता है इसका आंसर उनको। चलो अब देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी आंसर बता दो। हाँ नहीं, नहीं दिया है ना, नहीं इकोनॉमिक और प्लानिंग डेवलपमेंट है, 71 उसका हो गया, हाँ ठीक है, इसका आंसर पता है, आ गया, बच्चा लोग स्मार्ट है भाई, आ भी गया आंसर, वेरी नाइस, अरे यार तुम लोग बढ़िया हो, स्मार्ट, गुड गुड। 1 तुम मेरे वाला ही गलती कर रहे हो, जो गलती मैंने की थी वही गलती तुम भी कर रहे हो। आंसर इसका नहीं, नहीं ए नहीं है, ए नहीं है, 1971 कैसे होगा, 1972 है बाबू, ठीक है, नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन एम्स 2006 का क्वेश्चन है, इसको रट लो, ठीक है, आंसर इसका 1972 है, ठीक है, 20 द करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर द गिवन डायग्राम सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बताइए बेटा जी, देखिए और बताइए, 10 सेकेंड लीजिए, एनालिसिस कीजिए। थर्टीएथ का आंसर चाहिए बेटा, अभी तो इनको क्वेश्चन ही नहीं मिला है, तुम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हो, या हो सकता है हमें आंसर थोड़ा सा लेट मिल रहा है। तुम्हारा नाम लूँ, आकाश अधिकारी, जिंदाबाद, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, अभी आ रहे आंसर, आओ चेक करते हैं। फैजान सैयद को कितना बार अपना नाम लिवाना है, अभी सर ने बोला था, लाओ देखते हैं। अच्छा देखो, ए वाला जो है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पड़ा है इसलिए प्लाज्मोलाइज हो गया है ना, बी वाला आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पड़ा है इसलिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल इस कंडीशन में है, सी वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पड़ा है इसलिए पानी अंदर आ रहा है। अब देखें, स्टेज ए अपीयर्स व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक, गलत है ना, हाइपरटोनिक में प्लेस्ड होएगा ना, तभी तो पानी बाहर निकल गया। स्टेज बी अपीयर्स इन हाइपरटोनिक, नहीं ना, आइसोटोनिक में होगा ना। ड्यूरिंग स्टेज ए वाटर इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम वैक्यूल, ये बिल्कुल सही है, जब सेल जो है उसमें से पानी निकल रहा है तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म से निकलेगा, उसके बाद वैक्यूल में से पानी निकलेगा, ये सही स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग स्टेज ए वाटर इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम वैक्यूल, नहीं, पहले साइटोप्लाज्म से फिर वैक्यूल से, सो आंसर तुम्हारा बन जाएगा सी। हाँ जी, चलो देखो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, जिसके लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, पिक्चर बहुत छोटा है, जूम कर लो और रिजोल्यूशन बढ़ाओ दीजिए मैम, आप अपना यूट्यूब पे चैनल भी बना लीजिए, है ना। हाँ जी, चलो जल्दी जल्दी आंसर, 31 का क्या कह रहे हो, बी, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, थोड़ा सा भगवान का दिया हुआ उसका इस्तेमाल करो, आंसर आ जाएगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है, हैं बी कैसे भाई, यार ऐसे करते हो ना तुम लोग, कम से कम देखो प्लांट तुमको भी नहीं आता हमको भी नहीं आता तो दोनों सुखी रहते हैं, इसमें तो क्यों लोड ले रहे हो, ये सब तो कर लिया करो, ठीक है। तो अब देखो, एंटीबॉडीज तुम्हारा मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस करता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं गलत है। टी लिम्फोसाइट्स क्या था, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, मेमोरी और सप्रेसर, तो ये भी कुछ नहीं, इतना अच्छा से सैनिक करके समझाओ लेकिन कोई फायदा नहीं। प्लाज्मा सेल को बी सेल्स ही कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा बी सेल्स ही होता है इसमें, तो बी सेल्स, और थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया और तुम लोग ऐसे कर दिए, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया। ल्यूकोसाइट्स तो तुम्हारा टीएलसी में सब कुछ आ गया, तो ल्यूकोसाइट तुम्हारा ये आ गया, सेलुलर बैरियर में आ गया, तो ये भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट काइलोमाइक्रॉन्स, क्या सच्चाई है काइलोमाइक्रॉन्स की, जल्दी से देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, आंसर बनाएंगे। अच्छा तुम लोग कह रहे हो मैं यूट्यूब चैनल बना लूँ, बनाऊंगी पर उस पर बायो नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ और करेंगे, योगा सिखाऊंगी तुम लोगों को, डांस सिखाऊंगी, बायो के लिए तो है ना, तो लेट्स क्रैक डांस तो बायो में ही कर रहा है।
सही बात है। आओ चेक करें, चेक करें बेटा जी 32 का, आओ चेक करते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। अच्छा देखो काइलोमाइक्रॉन कहाँ प्रोड्यूस होता है, देखो ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, काइलोमाइक्रॉन यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल है उसमें काइलोमाइक्रॉन प्रोड्यूस होगा, और फिर काइलोमाइक्रॉन प्रोड्यूस होकर कहाँ पे जाएगा, लैक्टियल के अंदर जाएगा। सो अभी अपन देख लेते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन द म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रू स्टेटमेंट है। इट कंटेन्स ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है। देखो काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर क्या होता है, अंदर फैटी सब्सटेंसेस होते हैं और बाहर प्रोटीन की लेयर होती है। सो ये सब होगा, इट इज अ प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसिकल, बिल्कुल प्रोटीन से कोटेड होगी। काइलोमाइक्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम द लैक्टियल एंटर्स इनटू एपिथेलियल सेल्स, उल्टा लिखा हुआ है, काइलोमाइक्रॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल विल एंटर इनटू लैक्टियल, है ना, ऑपोजिट लिखा हुआ है। तो क्या बनना चाहिए हमारा, 2 and 3 अपना आंसर बन गया, ये मजे करो। चलो भाई अगला सवाल। हाँ जी देखो क्या है, इफ द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रोकन, DRG और VRG पे इतना क्वेश्चन कराया तुम लोगों को, जल्दी जल्दी बता दो भाई। अच्छा मैम से ही नाम लिवाना है, तब तो फिर मैम ही ले लेंगे अश्विनी, अगर मेरे से नाम लेने से काम चल जाए, तुम्हारा मन भर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी क्या है, अच्छा B 33 का आंसर सी कह रहे हो और बी कह रहे हो, यार कैसे कर रहे हो तुम लोग, बाप रे बाप। सिद्धि वेरी नाइस, वेरी नाइस सिद्धि, अभी तक मुझे बस एक सिद्धि का आंसर मिला, एक सही, एक सीमा, गुड सीमा, गुड जॉब। अच्छा इसी को शिमला, यार देखो क्या होता है ना, देखो स्पाइनल कॉर्ड इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अच्छा नो इफेक्ट ऑन इम्पल्स तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, आ रहा है तो क्या होता है, रिसेप्टर से आता है यहाँ पे DRG डॉर्सल रूट गैंगलिया होता है, फिर यहाँ से इंटरन्यूरॉन से कनेक्टेड होता है और यहाँ से VRG निकलता है, तो इम्पल्स कहाँ आ रहा है, तो यहाँ रिसेप्टर टू CNS जा रहा है, राइट, तो कहाँ पे इम्पल्स आएगा, तो इम्पल्स जो है आपका रिसेप्टर से ट्रांसमिट नहीं होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड तक आपका इम्पल्स नहीं पहुँचेगा। डॉर्सल रूट गैंगलिया और वेंट्रल रूट गैंगलिया आपको पढ़ना है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये नहीं है कि आउट ऑफ NCERT है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में इतना तो आप जान ही जाओ, ठीक है। हाँ जी, ओहो इतने डायग्रामेटिक क्वेश्चन मिल रहे हैं मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द गिवन फिगर, मजे आते हैं मेरे डायग्रामेटिक क्वेश्चन करने में, बेलानोग्लॉसिस का बताओ भाई लोग, प्रोबोसिस कौन सा पार्ट है, ये तो प्यारा सा है, प्रोबोसिस कौन सा बेटा ABC में से है, बताना जरा, बिना सोचे आंसर कर दो बेटा इसका, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे भाई अकलमन, तुम अगर कॉलेज से घर जा रहे हो, ठीक है, तुम बोलोगे घर पहले पहुंचे या हमारे शमशान घाट पहले पहुंचे, वो चीज नहीं होता ना, तुम लॉजिक यूज करो ना। ये कह रहा है नो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड टू इफेक्टर, पहले तो आएगा यहां से यहां नहीं, तभी तो इफेक्टर में नहीं जा रहा, बट पॉइंट ये है कि पहले तो A to B पॉइंट नहीं आएगा ना, उसके बाद है ना, तो डी होगा आंसर, बी नहीं होगा। चलो चलो चलो, हाँ जी प्रोबोसिस कौन सा होता है बेटा, इजी, ए जो है वो प्रोबोसिस है, कॉलर ट्रंक, सो ए जो है अपना बहुत ही आसान है, आ गया, ये लो आओ सर। अगला सवाल देखो भाई क्या है, मैच कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी बता दो भाई कहां पे क्या क्या होगा, ठीक है, देखो आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ। अच्छा अश्वनी हम ही ले लिए ना, चलो कोई नहीं, खुश हो जाओ तुम। हाँ जी मैम प्लस पे है, एकदम मैम प्लस पे, प्लस कोर्स चला रही है, प्रोवाइड में PDF मिल जाएगा बाबू, PDF मिल जाएगा, आंसर दो तुम बस। स्नेहिता मेरी क्लास 4:30 होती है ना प्लस पे, ABCD भी बोल दो, जब सब बोल ही दियो तो। अरे क्या कर रहे हो भाई, हाँ जी A, ज़्यादातर लोग A बोल रहे हैं, चलो देखते हैं आंसर क्या क्या है। देखो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट द एंड ऑफ प्रोफेज हो जाता है, बिल्कुल सही, ए का टू, ये दो ऑप्शन को हटा दो, ठीक है। रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस रीअपियर हो जाता है, तो 3 दोनों में से 3 हो जाएगा। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर डिवाइड करता है और अपोजिट पोल पे जाता है, ये एनाफेज में होगा, और रेप्लिकेशन ऑफ DNA एस फेज में होगा, यहीं से अगर करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और ए विल बी द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। सेल साइकिल और सेल डिवीजन छोटा चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा सेल साइकिल और सेल डिवीजन से।
और बेटा सेल साइकिल बहुत सारे चैप्टर्स का बेसिस है, जेनेटिक्स का बेसिस है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर उससे लिंक्ड है, तो सेल साइकिल छोड़ना नहीं अपने, हो सकता तो मैं यूट्यूब पे जरूर कराऊंगी। इन सिट्रस एडवेंटिशियस पॉली एम्ब्रियोनी एम्ब्रियोनी इज डिराइव्ड फ्रॉम, देखो सिट्रस के अंदर एक एम्ब्रियोनी होता है सिर्फ, जैसे जैसे मान लो ये न्यूसेलस है, ये एम्ब्रियोसैक है, ठीक है, यहाँ पे सिनर्जिड बन गए, यहाँ पे एग बन गया, तो एक तो यहाँ पे जाइगॉट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन इसमें बड़े सारे बनते हैं, तो वो जो बाकी के एम्ब्रियो वो कहाँ से डिराइव होते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सारे ही बच्चे सही दे रहे हैं, इंद्रराज का गलत हो गया, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, न्यूसेलस से। देखो न्यूसेलस के कुछ सेल्स होंगे जो कि जाइगॉट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे और ये इसके अंदर प्रोट्यूड कर जाएंगे और यहाँ पे एम्ब्रियो बना देंगे, ठीक है, तो बड़े सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे, वो न्यूसेलस से डिराइव्ड होंगे जो बाकी के एम्ब्रियो होंगे। इजी क्वेश्चन, ओके। टेस्ट हर संडे को होता है, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, अगर तुम लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो हम लोग हर संडे को ज्वाइंट सेशन करेंगे, बट अच्छे रिस्पॉन्स के बाद, इस तरह का हरकत करोगे तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए टेक्स प्लेस, ठीक है, मैम ने मेरे लिए सारे इजी क्वेश्चन रखा है। वही वही देख रहे ना, मतलब ये सही है, नहीं नहीं बढ़िया है, सोची मैम कहीं कि नाक वाक हम नहीं कटा देना, तो इसलिए गरीब टीचर का ध्यान रखा गया है। देखो ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इससे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये 3-5, ये 5-3, देख लो भाई आंसर क्या, जल्दी जल्दी बता दो, सबका सही होगा, मुझे पता है, देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, नया स्ट्रैंड हमेशा जब भी सिंथेसाइज होता है वो 5-3 डायरेक्शन में होता है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। अगला, ये पेपर सर ने बनाया है और सर ने डिसाइड किया कि मैं ऑड नंबर करूंगा, लेकिन सर कह रहे चलो, इन टेरिडोफाइट स्पोर्स जर्मिनेट्स टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड, बताओ बेटा टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में देखो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, तो उसके नीचे एक छोटा सा गैमेटोफाइट होता है, इसको क्या बोलते हैं छोटे से गैमेटोफाइट को, उत्तर देंगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, प्रोथैलस आंसर होगा बेटा जी इसका, प्रोथैलस। ये सब ना मेरे लिए एकदम वो रिविजिट हो रहा है, आज ही क्लास में पढ़ा है ना, सब याद सा आ रहा है। चलो अगला, हाँ जी क्या है भाई, अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन है, लो हाँ क्या है, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, स्पीसीज इकोलॉजी बता दो बस, लो तुम लोगों को सॉल्यूशन भी बता दिए, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जल्दी बता दो, हाँ जी 286 39 पे आओ ना भाई, 38 पे कहाँ पे हो अभी तक, ओ 40 क्वेश्चन एक घंटे में हुआ, तो फिर तो हो लिया फिर तो, हाँ 39 का डी, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनवायरमेंटल या पॉपुलेशन तुम्हारा ऑर्टिकोलॉजी हो जाएगा और तुम्हारा स्पीसीज इकोलॉजी सिनिकोलॉजी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के कम से कम इकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन कर लेना, ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सही भी कर लेना और उसके बाद फिर आंसर देना, आंसर बहुत बुरा हाल है ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चन का। चलो हाँ, अबव डायग्राम इज इंडिकेटिव डायग्राम ऑफ अ टाइप ऑफ इनहिबिशन, ठीक है, देखो यहाँ पे ये इंजाइम है तो इसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है, तो बताओ किस प्रकार का इनहिबिटर तुम्हें लग रहा है, बताओ तो। 40th क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी, देवांशी का सही है, ये टू कौन कर रहे हैं, ये बच्चे टू कौन कर रहे हैं, ओहो बीच में आ गई मैं, हाँ जी ये टू और फोर आंसर है, जो जो सही आंसर है वो कोई दे नहीं रहा, क्या बात है भैया, वसीम का सही है, आओ जरा चेक करती हूँ क्या दिक्कत हो रही है तुम लोगों के, आओ आओ देखते हैं, देखो टाइप ऑफ इनहिबिशन कौन सी है, ये भी इसमें जाके फिट हो सकता है और ये भी इसमें जाके फिट हो सकता है, तो ये कॉम्पिटिटिव है, ये सबस्ट्रेट से कॉम्पीट कर रहा है, तो पहली बात तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये, तो अपना आंसर 2 या 3 में से होएगा। अब देखो इसमें से सबस्ट्रेट कौन सा है और सबस्ट्रेट एनालॉग मतलब इनहिबिटर कौन सा है, अपने
एग्जाम्पल पढ़ा है एनसीईआरटी में कि जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वैसे वो सक्सिनेट के लिए काम आता है, लेकिन यदि मेलोनेट बीच में आ जाए तो वो उसको डिसरप्ट कर देता है। तो मेलोनेट बीच में आ जाए तो सक्सिनेट को सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नहीं मतलब उस पर ऑपरेट नहीं कर पाता है। तो बेटा सबस्ट्रेट तो सक्सिनेट है ना, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज तो एंजाइम है ना, तो ये कैसे तुमने आंसर दिया? ये आएगा ना, ये आंसर आएगा ना, सी आंसर आएगा ना, यही गलती कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को। और इसी सब पे आओगे और उसके बाद फिर लोगों ओ शिट, और ये चार नंबर ना शिट ही कर देता है तुमको, मतलब अच्छे कॉलेज से शिट कॉलेज में चले जाओगे। ठीक है, लो आ गया मनुष्य का इवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, कर लो भाई, देखो नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, कौन सा होगा? हाँ चलो दो तुम लोग आंसर, हम लोग का विचार मिलेगा आई थिंक सो। देखो कौन सा है, अमन सर आई लव यू है। अरे नाम तो सही बोल दो भाई, जब प्यार का इजहार कर ही रहे हो तो नाम तो सही बोल दो। ऐसा बेइज्जती मतलब हद ही कर रहे हो। कोई नहीं, हाँ सी 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 ठीक है, हमारे और तुम्हारे विचार बिल्कुल मिलते हैं, है ना। मॉडर्न मैन एग्रीकल्चर, ठीक है ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। आई थिंक फायर वॉज स्टार्टेड बाई जावा मैन, है ना मैम? जावा ही है मेरे हिसाब से फायर मैन, फायर जो है जावा मैन, क्योंकि वह चाइनीज लोग कुकिंग क्या ही आग जलाएगा, छोड़ो। सी इज द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है भाई लोग चारों में से, आओ देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ये देखो राजेंद्र कुमार, प्रति प्रति प्रतीक्षा दास। हाँ जी चलो बात करें। 42 42 42 42 मैं सॉल्व कर रही हूँ तो देखती हूँ, आओ देखते हैं सॉल्व करते हैं। मेरा YouTube पे क्लास वैसे 4 बजे रहता है रोज, 6 बजे कभी कभी क्लास रहता है, ठीक है, और प्लस पे मेरी क्लास 10 बजे रहती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा से बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये सही चीज़ है। व्हेन द यूरिन पासेज इन टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इट बिकम्स हाइपोटोनिक, ये गलत है बेटा, जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे आता है तो हाइपरटोनिक होता है यूरिन, ये गलत बात हो गया। फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक इन PCT, बिल्कुल PCT में भी ब्लड से और फिल्ट्रेट जो मतलब आइसोटोनिक रहता है ब्लड और फिल्ट्रेट। देन फिल्ट्रेट बिकम्स मोर एंड मोर हाइपोटोनिक एज इट पासिस थ्रू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में तो बेटा पानी बाहर जाता है ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड होएगा ना, तो ये तो हाइपोटोनिक कह रहा है, गलत बात हो गई। सो अपना स्टेटमेंट होना चाहिए 1 और 3 सही, 1 2 और 3 नहीं सॉरी 1 और 3, तो अपना आंसर बन जाएगा 1। ठीक है, ये और ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गया। चलो अगला सवाल देखो, लेकिन यार जानते हो एक्चुअली कोई इसमें स्कैम नहीं किए थे, मेरा किस्मत अच्छा है, ये सारा ह्यूमन फिजियो का क्वेश्चन मिल रहा है, लिटरली कोई स्कैम हम किए नहीं थे जो फैक्ट है। चलो अच्छा है, भगवान होता है, देखो पता चल रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन व्हेन द एक्शन पोटेंशियल इज रीच्ड व्हाट हैपेंस एट दिस मोमेंट, देखो क्या होता है भाई डीपोलराइजेशन में, क्या हो रहा है जल्दी बता दो। रितु मैम, नहीं तो रितु मैम सब कुछ पढ़ा लेंगे ना, गरीब टीचर तुम, गजब वाले पब्लिक बेइज्जती मेरा थोड़ी अच्छा लगता। फिजिक्स में क्या पढ़ाते थे? अरे फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा था यार, पढ़ाना तुमको फिजिक्स ही चाहिए, लेकिन डिग्री हमको बायो का है, क्या करोगे। 43 का ए, 43 का सी, अरे ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग भाई, क्या है? देखो सुनो, देखो क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल एक तुम्हारा हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, एक हो गया तुम्हारा VGC तुम्हारा Na प्लस के लिए, एक हो गया VGC तुम्हारा K प्लस के लिए। ठीक है, तो जब तुम्हारा डीपोलराइजेशन होता है तो ये बंद, ये खुला, ये बंद, तो क्या है, तो वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर क्लोज फॉर पोटेशियम एंड वोल्टेज गेटेड चैनल स्टार्ट्स ओपनिंग Na प्लस, ये क्या किया है? हाँ ठीक है, तो तुम्हारा वोल्टेज गेटेड चैनल रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा ना,
तो ये तो तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है. वॉट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरिंग डिपोलेशन, तो एक्शन पोटेंशियल देखो क्या हो रहा है. सबसे पहले तुम्हारा इन्फ्लक्स ऑफ Na प्लस आएगा, तो Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल आर वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है. Na प्लस रिमेन्स ओपन एंड K प्लस स्टार्ट क्लोजिंग, K प्लस क्लोज होगा और ये Na प्लस होगा. Na प्लस स्टार्ट क्लोजिंग एंड K प्लस रिमेन क्लोज, बोथ Na प्लस एंड K प्लस रिमेन ओपन. ऑप्शन कौन सा है इसमें भाई? ये तो गलत ही, ये तो गलत ही है, ठीक है. ये और कुछ लिखा गलत है बेटा इसमें, इसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है. हाँ जी देखो क्या होता है, एन ए प्लस खुला रहेगा और के प्लस क्लोज रहेगा. इसमें ये समझ जाओ कि तुम्हारा जो एन ए प्लस चैनल है वो तुम्हारा जो है एन ए प्लस चैनल ओपन होगा और के प्लस क्लोज रहेगा, ये होगा, ठीक है. वो आंसर अपने हिसाब से देख लो कौन सा है, ठीक है. तो ये वाला पंगा होगा इसमें, ठीक है. तो एन ए प्लस तुम्हारा ओपन होगा और के प्लस क्लोज होगा, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है. सेकेंड वीजे रिमेन्स ओपन, या रिमेन्स ओपन नहीं होता ना, एन ए प्लस रिमेन्स ओपन नहीं होता, एन ए प्लस खुलता है. तो बी ऑप्शन तो उस तरह से ठीक है, लेकिन उस हिसाब से फिर गड़बड़, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है. इसमें नोटा लगा दो, इसमें नोटा लगा दो, ठीक है. नोटा क्या है सर? मतलब कोई आंसर सही नहीं है. अच्छा, मुझे लगा कुछ वोट फुल नहीं है, फॉर्म है नोटा की. नहीं, वोट में होता है ना नोटा, वो अच्छा कि कोई उसमें. अच्छा. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट गिवन बिलो? चार स्टेटमेंट है, बताओ तो कितना सही है कितना गलत है. हाँ जी, हाँ जी करिश्मा, बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं बेटा हम लोग जल्दी करने की. 44th क्वेश्चन. भाई लोग, तुम लोगों से ज़्यादा मुझे पता चल रहा है कि 1 घंटा हो गया और 40 क्वेश्चन हुए. आज मेरा फास्ट है, व्रत है, ठीक है, तो समझ सकते हो तुम लोग मंडे का. आओ चलो चेक करूं. चलो आओ आओ चेक करते हैं, देखते हैं. एपिथीलियल टिश्यू प्रोवाइड्स कवरिंग एंड लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी. ये सही नहीं है. एपिथीलियल जो टिश्यू है वो पूरी बॉडी के लिए ही कवर प्रोवाइड करता है, हर ऑर्गन के लिए कवर प्रोवाइड करता है. तो मुझे ये स्टेटमेंट की ये वाली बात सही नहीं लग रही कि फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी. आई थिंक फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये कवर प्रोवाइड कर रहा है. स्क्वामस एपिथीलियम हैज फ्लैटन सेल्स, ये ट्रू है. सीलिया प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, बिल्कुल गलत है. देखो स्टमक के अंदर क्या बात किया है हम लोगों ने, कॉलमनर एपिथीलियम होता है जिसमें कोई सीलिया या कोई माइक्रोविलाई नहीं होगा, तो गलत बात हो गई. कंपाउंड एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स, बिल्कुल सही बात है. कंपाउंड एपिथीलियम में एक सिंगल लेयर नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा लेयर रहेगा. सो अपने पास सही हो गया कौन कौन सा, बी और डी. तो 2 स्टेटमेंट सही है अपने पास, ठीक है. आप लोगों की गलती यहाँ पे हो सकती है, बट मुझे ये स्टेटमेंट सही नहीं लग रही है. ओके चलिए, क्या लग देखा ही नहीं मैंने, चैट पढ़ा था, इतना चैट बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है. कौन सा बोला, क्या है? सम पार्ट ऑफ द बॉडी लाइनिंग बोल रहा है. कुछ कुछ एक दो एक्सेप्शंस हैं उसमें, वैसे एपिथीलियम के एक दो तो एक्सेप्शंस हो जाएंगे, जैसे जहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगा वहाँ पे नहीं आ जाएगा, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया वहाँ पे एपिथीलियल टिश्यू कहाँ है, जहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया तो वहाँ पे भी एक दो जगह है, बट वैसे ठीक है. मतलब अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो ठीक है, 1 ईयर तो करेक्ट. हाँ हाँ का नहीं नहीं जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर जो हो गया पूरा, उसके न्यूरोग्लियल सेल्स के पास कहाँ होगा, उनके पास नहीं होना एपिथीलियल. हाँ जी चलो अगला देखो. साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स टेक्स प्लेस बाय दैट डैश मेथड एंड डैश डायरेक्शन, इजी है यार. हाँ जी पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, जल्दी आ जाओ, जल्दी फटाक से करो. एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, जल्दी. ये रहा तुम्हारा एनिमल सेल, ये रहा तुम्हारा प्लांट सेल, कैसे कैसे होता है, जल्दी. ए, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, चलो देखो क्या है. देखो एनिमल सेल में क्या होता है, फरो फॉर्मेशन होता है यहां पे, और ये डायरेक्शन इधर से होता है, बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है. प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है और ये डायरेक्शन इधर से जाता है, तो अंदर से बाहर जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल हो गया, बाहर से अंदर आ रहा है तो सेंट्रीपिटल हो गया. आंसर क्या हो गया, फरो. फरो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स टेक्स प्लेस बाय फरोइंग, ठीक है. तो ये दोनों तो हटा दो, पहला फरोइंग हो गया, ठीक है. एंड इसका डायरेक्शन बाहर से अंदर आ रहा है तो सेंट्रीपिटल है, तो इसका सेंट्रीपिटल हो गया और इसका सेंट्रीफ्यूगल हो गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस. चलो अगला. हाइब्रिड्स आर जनरली, रैंडम सा क्वेश्चन है ये, पर सही क्वेश्चन है ये. हाँ दोनों आंसर, मतलब इस पे मुझे भी कंफ्यूजन हुआ है. ये मतलब एक मैंने नेट पे चेक किया था, एक आंसर बन रहा है इसका, क्योंकि वो दोनों कंडीशन है ना, कि जैसे जनरल अगर अवेयरनेस की बात करें उसमें.
बोलो भाई लोग, फोर्टी सिक्स बोलिए। हाइब्रिड्स आर जनरली, म्यूटेंट्स कैसे बन रहा है भैया? म्यूटेंट्स तो वो होते हैं ना जिनमें म्यूटेशन हो गई होती है। हाइब्रिड्स क्या होते हैं कि मान लो कोई ब्लैक आई कलर वाला इंडिविजुअल ब्राउन आई कलर के साथ मेट करता है तो ऐसा बीबी बन गया, ये होता है ना हाइब्रिड। तो म्यूटेंट कैसे हुआ? हाँ जी, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है बेटा उसमें टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिलती है, तो वो टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जो 720 मार्क्स के टेस्ट होते हैं ना हर हफ्ते, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसके साथ ही इंक्लूडेड होता है। अब देखो, मैंने नेट पे चेक किया था कि हाइब्रिड्स आर जनरली, तो उसमें लिखा हुआ था हाइब्रिड्स आर जनरली स्ट्रांग बिकॉज दे आर बेटर जेनेटिकली, बेटर एंड मोर डाइवर्स देन ईदर ऑफ द पेरेंट्स। सो मुझे भी यही आंसर बेटर लग रहा है। सो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए सर। इसके केस में ना, जैसे लाइगर और टिगोन वो भी तो हाइब्रिड हुआ ना, तो उस केस में मुझे लग रहा था कि मतलब नेचुरल कंडीशन में दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, बट अगेन उसका एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स हो गए, तो म्यूल के केस में तो स्ट्रांग हो गया, मतलब वो थोड़ा सा बट आप बात करो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स की, नॉर्मल भी तो हाइब्रिड है, दोनों वीट प्लांट्स के लिए भी तो हाइब्रिड है। इसलिए मुझे उस सेंस में लग रहा था। एनीवेज बट बेग क्वेश्चन है ये ऐसा। देखो, विच इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है, फटाक से बता दो आंसर जल्दी जल्दी। हाँ जी जल्दी। अरे पीडीएफ मिल जाएगा बालक, टेंशन मत, तुम लोग फ्यूचर टेंस में बहुत जीते हो, प्रेजेंट टेंस में जियो, जल्दी क्वेश्चन करो और हम लोग को छुट्टी दो। मैम यूट्यूब पे प्लांट एनाटॉमी करा देंगे, टेंशन मत लो एकदम। हाँ जी चलो, अभी क्वेश्चन बहुत बचा हुआ भाई, जल्दी करो जल्दी करो। बी 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 बी, देखो क्या है, बिल्कुल सही है, अनएम्बिगुअस होता है, डीजेनरेट होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ स्पीसीज, एक दो प्रोकैरियोट्स को छोड़ के ज्यादातर सारा यूनिवर्सल होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कंटेजियस फैशन में होगा, देयर इज नो पंचुएशन, तो बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, जेनेटिक कोड कंटिन्यूअस होता है। During a microbial study, a spore was observed as thick-walled, highly resistant, surrounded by different wall layers. कौन सा स्पोर है बेटा ये? This can withstand both high and low temperature. क्या बात है? They remain unharmed during pasteurization. कौन सा स्पोर है बेटा? बताओ बताओ। हाँ हाँ, PDF मिल जाएगा बेटा। बोलो 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 बोलो। सभी बच्चों का सही है, करिश्मा का गलत हो रहा है, क्या बात है बेटा? हाँ जी, आरती का सही है, शिप्रा का सही है, सयाक का सही है। अरे रे 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 बेटा, जिसको नहीं आता ये देख लोगे, याद कर लोगे। एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और वन ऑफ द टफेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं, जिनको आप डिस्ट्रॉय बहुत मतलब डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। एंडोस्पोर्स याद कर लेंगे एक बार इसको। और इस तरह के क्वेश्चन में ना मेरे तरह जुगाड़ अपनाया करो, ठीक है? देखो क्या होता है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, बाकी सबका नाम भी नहीं सुना होगा, मुझे नहीं आता बाकी तीन स्पोर्स का नाम, मुझे पता था कि यही वाला स्पोर है क्योंकि इसका नाम सुना हुआ लग रहा है, एनसीईआरटी में दिया होगा, ठीक है? तो ये सब भी जुगाड़ यूज करके कर सकते हो। इफ़ यू कैन एलिमिनेट 50% ऑफ योर ऑप्शन, ठीक है, यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, डू दैट, ठीक है? चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जल्दी बता दो भाई, क्वेश्चन तो एकदम सही है। हाँ जी, टू 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 टू। अरे भाई पीडीएफ क्या बोलो, तो क्वेश्चन कराते कराते पीडीएफ शेयर कर देते हैं, चिट्ठी दो। टू फोर टू फोर टू फोर टू फोर टू फोर टू फोर, नॉट ट्रू, ठीक तो है भाई ये, टू तो ठीक ही है, टू में क्या दिक्कत है? लाइकेंस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, जहां पे हवा अच्छा नहीं होगा वहां लाइकेंस है, ठीक है। बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर में और गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में, ये भी ठीक है। बैड ओजोन इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कॉज करता है। यूट्रोफिकेशन अकर्स ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन लेक, बिल्कुल सही, लेक या यूट्रोफिकेशन होता है और एल्गल ब्लूम होता है ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, तो बचा यही ना। अ सेम स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम फूड चेन, ऑब्वियसली स्पैरो के केस में देखो ना, इंसेक्टिवोरस भी होता है और हर्बीवोरस भी होता है, बिल्कुल सही। फूड चेन है, वही 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 यहाँ पे, लेकिन मैम ये लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में इसी तरह का, मतलब कि एक जो है बट हम कंसिडर एक ही जगह करते हैं, ये चारों लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी, ये लाइन एनसीईआरटी लाइन है यार, ये चारों स्टेटमेंट सही है, चारों स्टेटमेंट सही है इसमें, क्योंकि या तो यहाँ पे कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ हुआ, ठीक है,
ये स्टेटमेंट चारों सही है, ठीक है, इसमें देख लो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर देखो क्या होता है कि जब हम फूड चेन बनाते हैं तो फूड चेन में हम डालते नहीं है उसको, ठीक है, फूड वे में तो डाल देते हैं, ठीक है, तो फूड चेन में हम एक ही फूड चेन में लेते हैं उसको, हाँ डी होगा ना, देखो ना यहाँ पे प्लांट है, या तो स्पैरो सीड को खाएगी या इंसेक्टिव, वही नहीं, वो अलग अलग वो हो गया मैम, फूड वेब बनेगा, हाँ हाँ फूड वेब दोनों में साथ में खा लिया, और ये लिमिटेशन ऑफ फूड चेन में आता था। Which of the following phenomena, कतई आसान क्वेश्चन है बच्चों, is not universal in occurring plants, कौन सा सभी प्लांट्स में नहीं पाया जाता है? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप आंसर कर सकते हैं। चलो, कौन सा कॉमन फिनोमिना नहीं है, यूनिवर्सल फिनोमिना नहीं है प्लांट्स के लिए, बोलिए बच्चों, इसके लिए मैं टाइम भी नहीं दे रही हूं तुम लोगों को, क्योंकि टाइम देने जैसा कुछ है नहीं ना इसमें। देखो, मेटाबॉलिज्म बेटा जी, जितने लिविंग सेल्स हैं उनमें मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शंस होना, ठीक है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होना, ये तो लिविंग सेल्स का प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म होना, ये तो होएगा ही होएगा सब में। रेस्पिरेशन, कौन है ऐसा जिसके पास रेस्पिरेशन नहीं होता भैया? जिसके पास रेस्पिरेशन नहीं होता वो लिविंग नहीं होता। तो ग्रोथ, ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, ये तो फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स है। गटेशन सभी प्लांट्स में नहीं होता, कुछ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स में होता है, ठीक है जी। सो ऑब्वियस चॉइस था आपका आंसर, गटेशन इज योर आंसर। आइए सर, उसमें है मैम, वो फूड चेन वाला ही है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इकोसिस्टम में, हाँ अभी देख लीजिए, वो फूड चेन ही, वो फूड चेन दोनों, उसमें सारा आंसर सही था, ठीक है, उसमें सेम फूड चेन है उसमें, ठीक है, हाँ वो नीचे नीचे उस पैराग्राफ में होगा, लास्ट सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली through evolutionary forces from non-living organisms, ये तुम्हारा है Oparin-Haldane hypothesis का, जल्दी बता दो, Oparin-Haldane hypothesis का है, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी ले ली आंसर, अच्छा नाम ले लूँ, चलो भाई, अना का सही, अना का आंसर भी तो, हाँ ठीक है, अना का सही है, मनीष का सही है, फंटेबस का सही है, सुमा का गलत है, चुम का सही है, वाह बड़ा अच्छा नाम है चुम 2001, रितेश का सही है, अभिषेक का सही है, पंचाली का ठीक है, उत्कर्ष का ए ए ए ए ए बिल्कुल। देखो देखो क्या होता है, केमिकल इवोल्यूशन है ना तुम्हारा, पहले मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन हुआ फिर केमिकल इवोल्यूशन, तो यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन होगा उसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आएगा, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इन केस ऑफ वायरस होता है, जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनता है तो उसको हम रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहते हैं। Which of the following statement is correct with respect to kidney function regulation? सीधा सा आंसर बनेगा, ध्यान से देखो, देखते ही तुम्हारी आंखों में चुप जाएगा गलत जो स्टेटमेंट है। चलिए, हाँ भाई लोग, सुरिंदर पुन्नी, हाँ जी, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है बेटा जी, 52। अरे अनुराधा गलत हो गया बेटा, क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार, 52 का ए कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन कहना चाहता है ए, जरा बताओ, हे भगवान, सबके सब ए, तुम क्या कर क्या रहे हो, ध्यान से पढ़ो तो। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है तुमको, पहली बात तो, व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर एडीएच इज रिलीज्ड, भाई लोग पूरा रास, पूरा एडीएच कब निकलता है तुम्हारी बॉडी से, जब तुम डेजर्ट में गुम हो चुके हो और तुम्हारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, जब बॉडी में सूखा पड़ जाता है तब रास एक्टिवेट होता है, तब एडीएच रिलीज होता है। ये तुम कैसे कह सकते हो ज्यादा पानी वाला बंदा एडीएच रिलीज करेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट्स एडीएच रिलीज, बिल्कुल भी नहीं, कोल्ड टेम्परेचर से एडीएच की प्रोडक्शन कम हो जाती है, इसीलिए हम लोगों को सर्दियों में सूसू ज़्यादा आता है, क्यों, कोल्ड टेम्परेचर से एडीएच कम हो गया सो यूरिन प्रोडक्शन बढ़ गया। एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, बिल्कुल गलत, ग्लोमेरुलस में जितना ब्लड कम आता है तभी तो एंजियन जो पूरा रास है तभी तो एक्टिवेट होगा ना। ड्यूरिंग समर, ये सही है यार, समर के टाइम पानी कम है तब एडीएच रिलीज होगा, क्या करते हो बेटा, ये तो यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ चैप्टर है। चलो यार, इस तरह के क्वेश्चन गलत ना करें कृपया करके, ठीक है, मनुष्य पे गलत करते हो तो मेरे दिल पे लगता है। चलो अगला क्या है भाई, हाउ मेनी ऑफ दीज हार्मोन्स आर लिपिड सॉल्युबल, बता दो, स्टेरॉयडल कौन कौन सा है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हाँ जी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ,
अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम होगा और क्वेश्चन ज़्यादा होगा, तुम लोग स्पीड बढ़ाओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। किसका सॉल्यूशन करना है सुरेंद्र? हाँ हाँ कॉल सेंटर में तो हम ही लोग बैठे हैं, सही बोल रहे हो बाबू, इंटरकॉम पे लिखो मैसेज, कुछ ना कुछ आ जाएगा। चलो डी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, फोर डी डी डी, कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। देखो भाई FSH तो तुम्हारा स्टेरॉयडल नहीं है, LH तुम्हारा स्टेरॉयडल नहीं है, एपिनेफ्रिन तुम्हारा स्टेरॉयडल नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका ए, ईस्ट्रोजन एल्डोस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन तुम्हारा स्टेरॉयडल है। कैसे डी कह रहे थे तुम लोग भाई, एपिनेफ्रिन तुम्हारा स्टेरॉयडल थोड़ी है, ए इज द करेक्ट आंसर है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई लोग तेजी से 54। एक चीज याद रखो, कोई भी स्टेरॉयडल हार्मोन का फंक्शन जो है तुम्हारा वो नहीं जल्दी काम करेगा, एपिनेफ्रिन इमरजेंसी हार्मोन है, तो कैसे तुम लोग कर रहे हो। हाँ जी, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू? बेटा देखते ही आंखों में चुभ जाएगी, गलत स्टेटमेंट ना, ऐसे ऐसे दिख रही है तुम लोगों को, गलत स्टेटमेंट तुम्हें करके देखो तो जरा ध्यान से, कुछ भी नहीं आता होगा ना तो भी तुम्हें गलत स्टेटमेंट दिख जाएगी इस क्वेश्चन में, देखो जरा एक बार ध्यान से देखो। हाँ पृथ्वीराज चौहान आ गए तुम, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अभी, ये सिर्फ नारेबाजी करता है बच्चा। हाँ जी 54, बिल्कुल 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 सही नहीं है यार, बहुत कम बच्चों का सही आ रहा है, क्या बात कर रहे हो यार, क्या करना है तुम लोगों को, करे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट, कुछ भी नहीं आता होगा ना तो भी तुम लोगों को पता है ब्लड सीक्रेट्स फाइबर्स लाइक कॉलेजन एंड इलास्टिन, ब्लड इज दी ओनली कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर कोई फाइबर नहीं होता है, यदि तुम्हें नहीं पता तो जान लो, फिर भी भूल जाओगे तो लिख लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, ब्लड के अंदर कभी भी कोई भी फाइबर नहीं होता है बेटा जी, सी डायरेक्ट आंसर है, बाकी तो मैं डिस्कस भी नहीं कर रही हूँ। चलो अगला सवाल, अच्छा प्लांट आ ही गया, इनसाइमोज इन्फ्लोरेसेंस आखिर नसीब कब तक चलेगा, इनसाइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, अच्छा मेन एक्सिस यार इजी क्वेश्चन है ये तो, आता है हमको, तुम लोग को भी आता ही होगा फिर तो। हाँ जी बता दो, डी 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 डी, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, जब तुम लोग बोल रहे हो तो हु एम आई टू से, क्या है भाई अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होता ना, साइमोज ये वाला होता है टक 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 है ना, तो ये वाला साइमोज होता है, ठीक, तो इट डज नॉट शो अनलिमिटेड ग्रोथ, यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा, सॉलिटरी फ्लावर्स है नहीं, बहुत सारा गुच्छे में, ये भी नहीं होगा, शोज अनलिमिटेड ग्रोथ बट लेटरल ब्रांचेस एंड इन फ्लावर, लेटरल ब्रांचेस एंड इन फ्लावर नहीं होता, लेटरल ब्रांचेस ये आ गया तुम्हारा रेसिमोज में एंड इन फ्लावर होता है, ठीक है, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, बिल्कुल सही, ये बेसिपिटल होगा ना, हाँ ये बेसिपिटल होगा, हाँ ये बेसिपिटल होगा, वो वाला एक्रोपिटल होता है, ठीक है, तो साइमोज बेसिपिटल होता है, रेसिमोज तुम्हारा एक्रोपिटल होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, चलो भाई लोग चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, क्या क्या करते हो तुम प्लांट टिश्यू कल्चर में, स्टेप्स देखो एक बार ध्यान से, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 करके आंसर देंगे मुझे, कौन से गानों से परेशान हो गया कृष्णा यादव, कोई भी गाने नहीं गा रहा है यहाँ पे, मैम आपको देखते हुए गिटार वगैरह बजा होगा ना, तो अच्छा, पता नहीं क्या बज रहे हैं, हाउ आर यू, आई एम गुड लक्ष्य, हाउ आर यू, यहाँ पे अभी हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे अपना है ना, पे क्वेश्चन तो करना नहीं अपने चलो आओ देखते हैं, देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट क्या होता है, वो पार्ट जिससे कि आपने टिश्यू कल्चर करना है, आप सिलेक्शन करोगे, फिर आप अपने मीडियम की स्टरलाइजेशन करोगे, देखो मान लो आपने प्लांट का पत्ता ये ले लिया, एक्सप्लांट चूज कर लिया, फिर आप अपने मीडियम को स्टरलाइज करोगे, स्टरलाइजेशन करने के बाद ये एक्सप्लांट इसमें डाल दोगे जिसको कहते हैं इनोक्यूलेशन, फिर इनोक्यूलेशन करने के बाद आप बहुत सारे हॉर्मोन्स डालोगे जिससे कि उसका कैलस बनेगा, रीजनरेशन, फिर उससे पौधे बनाओगे, पौधे बनाने के बाद हार्डनिंग, हार्डनिंग क्या होता है, पौधे फील्ड में डालने से पहले उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, हार्डनिंग उसके बाद आप ट्रांसफर करते हो फील्ड में, सो अपना आंसर बन गया डी, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा, कोई बात नहीं मैंने बता दिया है, अभी सीख लो। चलो अगला सवाल, इन विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, जल्दी बता दो जल्दी, हाँ जी जल्दी क्या हुआ, हाँ बस मैम ऊपर से गलती से यहाँ नीचे आ गई हूँ भैया, अभी वहाँ शिफ्टिंग चल रहा है,
ठीक है, चलो आगे आगे, जल्दी 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 जवाब दो भाई। तुम लोग ना बहुत जल्दी गॉड वर्ड बना देते हो, बहुत जल्दी ये सब सब। बी 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 बी, देखो क्या है भाई, बिल्कुल सही, ठीक है। इन विट्रो रेप्लिकेशन और डीएनए, पीसीआर होता है कैरी म्यूलियस चचा थे और एपेंडर ऑफ ट्यूब में होता है, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग से तुम्हारा क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट तुम्हारा जो नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन में होता है उसको कराते हैं। आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट क्राइसोफाइट्स? क्राइसोफाइट कौन होते हैं पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, है ना? आंसर करो, ये अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, तो तुम्हारी दुखती रग है, मुझे पता है बहुत गंदा लगता है सुन के, बट इनसे क्वेश्चन आते हैं, क्या करें बेटा? एनसीईआरटी में उतना टफ नहीं है, मुझे नहीं, एनसीईआरटी में कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन उतना टफ है नहीं। ये मैं प्लस पे पढ़ा चुकी हूँ, जो प्लस वाले बच्चे हैं, अगर आपने नया ज्वाइन किया अभी तो आपने ये शायद लाइव क्लासेस नहीं देखी होंगी, पर ये देख लो, पूरा प्लांट किंगडम में करा चुकी हूँ, पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में करा चुकी हूँ, सो बहुत ही क्लियर कट आइडिया है उसमें, आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, हाँ जी 58 सॉल्व करने लगी हूँ मैं बेटा, आओ देखते हैं। क्राइसोफाइट्स बेटा बेसिकली अपने जो प्रोटिस्टा है ना उनके मेंबर्स को कहते हैं, जो पहले वाला डायटम्स वाला ग्रुप है। सो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि दे द ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेजमिट्स, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और ये मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द सी होते हैं, सी में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यही करते हैं, सो दे आर मोस्टली सैप्रोफिटिक, ये तो गलत हो गया। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये अपने फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली तैरते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। देन दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरमेंट्स, ये भी सही हो गया। सो डी को छोड़ के ए बी सी आंसर आना चाहिए इसका, जो कि आ चुका है। आइए, ठीक है, हाँ जी, अगला सवाल। इन अ पॉपुलेशन शोइंग वंस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, पढ़े हो तुम लोग, सिग्मोइड कर्व होता है, बता दो क्या वैल्यू होता है। डी एक्सेलरेशन फेज कहाँ से आएगा, मतलब लॉग फेज लैग फेज और डी एक्सेलरेशन फेज बता दो, ये कहाँ से आएगा, ये वाला, ठीक है, जल्दी बता दो, बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। हाँ जी, अच्छा तुम लोग क्या चाहते हो, पूरा 90 क्वेश्चन कराएं या 60 में हम लोग को छुट्टी दे रहे हो? जल्दी कमेंट करो। 30 क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क की तरह भी कर सकते हो, सॉल्यूशन बना देंगे किसी दिन। सी ए मैम बस जा रही है तुम्हारे घर पे, सॉन्ग बंद करवा देगी, तुम टेंशन, मतलब सिर्फ नाम लेके जाके बोल के आ जाओ, ठीक है, सॉन्ग ऐसे ही बंद हो जाएगा, क्यों लोड ले रहे हो तुम, तुम टेंशन क्यों ले। डी है, 120 क्वेश्चन कराओ। अच्छा हाँ, हम लोग को तो खाना पीना है नहीं, विंडो एक्टिवेट कर लो। बहुत दुख है तुम लोगों को जिंदगी में ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही दिखते हैं इनको, बाकी सब कुछ दिखता है साइड साइड। टू 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 टू, यार मेरे हिसाब से तुम लोग सबका आंसर गलत है। अच्छा 3 आया, हाँ चलो यार देखो क्या, डी एक्सेलेशन फेज कब आएगा तुम्हारा, ये के कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, तो जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के पास जाने लगेगा तो फिर डी एक्सेलेशन फेज आएगा, तो तुम्हारा यहाँ आना चाहिए ना, तो एन इज नियरली इक्वल टू के, ये वाला होना चाहिए, सी होगा ना मैम, हाँ सी है ना, सी होगा यही तो। चलो बेटा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोएम ट्रांसपोर्ट? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में ये एज सच तुम लोगों को स्टेटमेंट याद कर लेना है, बताओ इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, बोलिए। सर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, सर बताओ क्या करना है उसको, नहीं पेमेंट कर पा रहा वो। हाँ जी बोलिए। आओ चेक करें, मैम आर यू मैरिड, इतना क्यूरोसिटी है तुम लोगों को, है ना? आओ देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, चेक करते हैं, नीचे शुरू करते हैं। फ्लोएम सैप कंटेन्स वाटर एंड सुक्रोस ओनली? नहीं बेटा जी, फ्लोएम में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ये नहीं होता है, तो ये वाली बात गलत हो गई। इट्स अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, क्या बात कर दी, सिंपल फिजिकल प्रोसेस नहीं है भैया। अकर्स फ्रॉम लो टीपी टू हाई टीपी, अकर्स फ्रॉम हाई टीपी टू लो टीपी, आंसर ये है बेटा, ज़्यादा टर्गर प्रेशर से कम टर्गर प्रेशर की तरफ फ्लोएम का जो है फ्लूइड जो है वो बहता है। इसको याद कर लो, नहीं पता तो याद कर लो, हाई टीपी से लो टीपी पे जाता है, याद कर लो इसको। नहीं, ट्रांसपोर्टेड प्लांट अच्छा चैप्टर है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से प्लांट वाटर रिलेशनशिप, एक दो चैप्टर जोड़े, मिनरल न्यूट्रिशन महावाई आता है, मुझे अच्छा लगता है मिनरल न्यूट्रिशन, अच्छा अच्छा पता नहीं मिनरल न्यूट्रिशन से तो आज तक क्लोरोसिस नहीं, समझ याद ही नहीं रहेगा कौन सा मिनरल्स कौन सा होता है। निमोनिक्स के हम सख्त खिलाफ हैं, तो इसलिए कभी कभी निमोनिक्स।
विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई बता दो भाई, विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई कौन सा होता है? सुरेंद्र बेटा वहां पे इंटरकॉम है, जब प्लस पे जाओगे ना वहां पे मैसेज करो, वो लोग ज्यादा अच्छे से हेल्प करके बता पाएंगे, हम लोग खुद प्लस प्लेटफॉर्म नहीं समझ पाए, आपको क्या समझाएंगे। हाँ हाँ बस भिजवा रहे हैं, कार्ड सबसे पहले तुम्हारे घर ही पहुंचेगा, टेंशन मत लो। चलो क्या है आंसर बताओ भाई। फोर्थ देखे भाई क्या है। अच्छा विंग, ये तो एनालॉगस ऑर्गन है ठीक है, देखो एनालॉगस ऑर्गन है ठीक है, तो एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होगा ठीक है, होमोलोगस स्ट्रक्चर नहीं होगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होगा, सेम परफॉर्म फंक्शन सेम परफॉर्म करेगा, एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव कन्वर्जेंस, एडेप्टिव कन्वर्जेंस हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा, बी है ना, बी इज द एडेप्टिव कन्वर्जेंस होगा, एडेप्टिव डाइवर्जेंस नहीं होगा ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कॉमन एंसेस्ट्री ये सारा होमोलोगस ऑर्गन का फंक्शन है। हाँ भाई लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, आओ देखें यार, ये तो ऐसे मत करना यार, ये तो ह्यूमन उसका फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, चलो 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 देखो एक बार। मैंने प्लस पे कौन कौन से चैप्टर करा दिए बेटा? मैंने प्लस पे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी छोड़ के और प्लांट फिजियो के कुछ एक दो दो तीन चैप्टर छोड़ के बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट करा दिया है ठीक है। आओ चेक करें, चलो चेक करते हैं, आओ देखते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? बकवास, ये तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होगा, ये गलत हो गया। वाइटल कैपेसिटी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सही बन गया अपना, यही होता है टाइडल वॉल्यूम, ये सही आ गया। टोटल लंग कैपेसिटी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम नहीं लिखा है इसमें, सो ये हो गया गलत। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी माइनस वाइटल कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये भी हो गया गलत अपना आंसर। ये तो यार ये तो आना चाहिए, देखो मैंने बहुत प्यार से तुम लोगों को यूट्यूब पर कराया था, यदि ये नहीं आ रहा है तो यूट्यूब वाली वीडियो देख लो प्लीज़, आ जाएगा तुम लोगों को। हाँ जी अगला क्या है क्या है क्या है, थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बच्चा वाला क्वेश्चन है जल्दी बता दो, टी लिम्फोसाइट्स जल्दी। यार हम लोग करेंगे 70 क्वेश्चन ठीक है, मुझे आ रही है सुसु, तो करेंगे हम लोग 70 क्वेश्चन हो गया, बाकी 20 क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क कर लेना, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा लिंक पे ठीक है, सारे काम हम लोग ही थोड़ी करेंगे। सी 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 सबको पता है बिल्कुल सही, क्या है भाई? रेजिंग ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल तुम्हारा ग्लूकोगन बढ़ा देगा ठीक है, तो ये नहीं होगा। रेडिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, तुम्हारा तुम्हारा पीटीएच हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट बिल्कुल सही, डिक्रीजिंग आरबीसी इन ब्लड ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर, टी लिम्फोसाइट थाइमस वाला बनाता है। 64 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड शुगर, कौन सा है बेटा बोलिए? हाँ जी बोलो 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 64। हाँ जी हाँ जी, जितने बच्चे पता है लोगों, अच्छा हाँ सही 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 सही। ये सेल्यूलोस कौन आंसर दे रहा है? ये सेल्यूलोस वाले बच्चे कौन है? अनुराग दुबे है ये बच्चा, प्रिंस शर्मा है ये बच्चा क्या? नहीं नहीं अनुराग दुबे का तो सही था, सॉरी गलत नाम ले लिया। आओ देखें भाई लोग, मॉडिफाइड शुगर होता है जैसे अपना ग्लूकोज को मॉडिफाई कर दिया, तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन मॉडिफाइड शुगर है ना, ये तो पॉलीसेक्राइड है ना, तो मॉडिफाइड शुगर में अपना 4 आ जाएगा। बस आ जाओ सर, वो नैग और नैम नहीं पढ़े हो तुम लोग, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन बाय एन एसिटाइल म्यूरमेरिक एसिड जॉइंट बाय बीटा 1,4 लिंकेज पढ़े हो ना। हाँ जी क्या है अभी, जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बता दो भाई जल्दी। 5 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद तुम लोग को जो करना है करो, हम कुछ और करेंगे। चलो अगला, हाँ जी क्या है? हाँ जी पढ़े हो ना, बहुत स्मार्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर यू आर लुकिंग सो हॉट, यार देखो तुमको हॉट लग के हम क्या उखाड़ लेंगे, दिक्कत तो ये है। सी और बी, देखो देखो क्या हो रहा है।
देखना जल मत जाना। सुनो, टेंड्रिल इज अ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टिप्यूल्स आर लेटरल ग्रोथ ऑफ लीफ बेस, ये भी ठीक है। स्टिप्यूल्स होते हैं छोटे छोटे नीचे से, है ना। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन इनफ्लोरेसेंस इज इन एक्रोपिटल सक्सेशन होता है ना, ऐसे ऐसे टक 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 टक, ये एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, ठीक है। इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस फ्लोरल एक्सिस हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, ये भी ठीक है। साइमोस में लिमिटेड होता है, पढ़े थे हम लोग, तो यहाँ पे आ गया सी इज द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ, अच्छा अच्छा ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करो तो सही। हाँ करो करो करो, खुद ही पढ़ लो यार, पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही क्वेश्चन ना, खुद ही पढ़ लो अभी। हाँ भाई बच्चों, एक एक बच्चा तो सही उत्तर दे दो यार, 66 का है, 66 का एक तो सही उत्तर आ जाए यार। गलत है कृष्णा यादव, आर्यन गलत है, इसमें भी गलत कर रहे हैं, उत्कर्ष गलत है, क्या बात करती, कबीर गलत है, जगमोहन गलत है, रवि अहिरवार का सही है, क्या बात कर दी। आओ आओ चेक करते हैं, आओ आओ चलो देखते हैं। देखो भाई लोग, 800 इंडिविजुअल्स हैं इन F2 जनरेशन ऑफ क्रॉस बिटवीन येलो राउंड एंड ग्रीन। तो येलो और राउंड को पहले तुमने क्रॉस किया ग्रीन और रिंकल्ड से, है ना। तो अपने पास बन गया ये हाइब्रिड बन गया, है ना। अब इसको अपने, ये F1 जनरेशन आ गई, इसको अपने सेल्फ कर दिया YYRR, ये तो टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस बन गया ना। टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो रहता है, 9:3:3:1 का रेशियो रहता है। इसमें दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं, येलो सीड्स विद येलो राउंड सीड्स, इसमें रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हैं। अब ये जो बीच वाले हैं इसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर रहता है, जैसे कि येलो विद रिंकल्ड एंड देन ग्रीन विद राउंड। हाँ तो 3:3 आ गया, कितना है 800 है, ये कितना बना 9, 3, 3, 6, 10, 16। 800 को पहले 16 से डिवाइड कर लो और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, अपना आंसर बनेगा 150 आ जाएगा। ओके 16, 85, हाँ हो गया ना, ठीक है हो गया, ठीक है चलो 67 इजी क्वेश्चन है, देख लो क्या है भाई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियर फुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हे भगवान घोर कलयुग, देखो करो भाई, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी फटाक से, धीरे ही बता सकते हो, कोई बात नहीं, मैम को थोड़ा टाइम मिल जाएगा बैठने के लिए। जल्दी बोलो। सेवन पे आ जाओ भाई, नहीं ठीक है चलो होता है। हाँ जी विजय दुबे ले लिया नाम, चलो दे दो, हम बस टाइम ही दे रहे थे मैम को, नहीं तो अभी तक हम आंसर बता दिए रहते, ठीक है। देखो क्या है, क्या है भाई, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, ठीक है। हिंद थ्री भाई तुम लोग नोमेनक्लेचर ही पढ़े थे ना, जैसे इको R1 होता है तो क्या होता है, पहला नाम जो होता है ये जीनस होता है, ये दो स्पीसीज होता है, ये स्ट्रेन होता है और ये ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है, तो ये तो गलत हो गया। इन बायोलिस्टिक जीन ट्रांसफर है ना, माइक्रो टंगस्टन और गोल्ड, ये जीन गन वाला हो गया। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल में करते हैं, ये भी हो गया। प्राइमर्स आर केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइमर्स ऐसे होता है ना, ये लगा रहता है, इधर से एक प्राइमर लगाते हैं, इधर से एक प्राइमर लगाते हैं जो एनीलिंग होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 सही है और 1 गलत है। अगला सवाल, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, वाह वाह, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, मजे ही आ गए मुझे तो, बताओ बच्चों बताओ बताओ, बस आके मैं एक, नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, बस मैं आके एक गोला लगा दूंगी कि ये है आंसर, मजे करो, ठीक है। और मैं बाकी जाके अपनी चेयर पे बैठ रही हूँ वापस, हैं है ना, है ना, है हाँ 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 यार, तुम लोग तो सही बता रहे हो, वाह यार क्या बात है। हेम सिंह चरण क्या हालचाल है बेटा, क्या बात है, तुम लोग तो सही बता रहे हो यार। खत्म क्वेश्चन, लो सर
खुशी देखो मैम का। अच्छा ये भी तो इजी है। हाँ जी, मैमल्स फ्रॉम कोल्डल क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। मेरा कुछ टॉपिक ना इन लोगों को पढ़ा के ठीक हुआ, इकोलॉजी ठीक हो गया और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ा दिया, प्लांट किंगडम भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो साथ ही देंगे हम लोग नीट का एग्ज़ाम, वैसे मेरे उम्र के बच्चे लोग नीट का एग्ज़ाम दे ही रहे हैं। अभी एक कॉल किया था कि सर आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक, आई वांट टू अपियर फॉर नीट। बोले वाह। अच्छा चलो जवाब, मैमल्स फ्रॉम कोल्डल क्लाइमेट, जल्दी जल्दी आंसर। हाँ जी जल्दी, और ये इसके बाद एक क्वेश्चन मैम कराएंगे, उसके बाद हम लोग का छुट्टी हो जाएगा और फिर देखो देखो देखो, दो चीज़ था, एक एलेंस रूल है, एक बर्गमेंस रूल है। बर्गमेंस रूल टर्म नहीं दिया हुआ है लेकिन बर्गमेंस रूल एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एलेंस रूल में क्या होता है कि अगर ठंडी जगह पे जो ऑर्गेनिज्म है, साइज तो उनका बड़ा रहेगा बट एक्सट्रीमिटीज जो कान है, जो हाथ है, लिम्स है, वो छोटे होंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कोल्डर क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लो, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। बर्गमेंस रूल में क्या होता है, बर्ड्स के केसेस में बर्गमेंस रूल था कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सरफेस वॉल्यूम रेशियो तुम्हारा जो है, गर्म जगह पे छोटे बर्ड्स होंगे, ठंडी जगह पे बड़े बर्ड्स होंगे, ये बर्गमेंस हो गया। रैंच रूल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पे है, ये रैंच रूल भी पढ़े हैं, ये तुम्हारा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पे होता है, और गॉस तो तुम पढ़े ही हो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए, और गॉस वाला तो तुम लोग पढ़े हो गए, ठीक है, गॉस वाला तो तुम लोग पढ़े हो, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़े हो ना, तो वो गॉस लॉ हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैम निपटा दीजिए। यही लास्ट क्वेश्चन, पाइरुविक एसिड चेंज, अच्छा स्टेटमेंट है, चार हैं, चूज द ऑप्शन विच हैव ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम ए टू डी। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है बच्चों अपने को, आओ आओ ढूंढ दो बच्चों, ढूंढ ही दो, इतने क्वेश्चन किए हैं तो ये भी कर ही डालो हैं। अब क्या हिम्मत हारनी आखिरी क्वेश्चन में, क्या बात सर, इतने कॉम्प्लीमेंट्स हैं। चलो अरे यार आंसर का नहीं आ रहा है मेरे पास, ये सर के कॉम्प्लीमेंट्स के क्वेश्चन वो आ रहे हैं मेरे पास रिमार्क्स। अरे सर हाँ जी चलो देखे, आओ देखते हैं। पायरुविक एसिड चेंजेस इनटू एसिटाइल कोए बिफोर एंटरिंग इनटू टीसीए साइकिल, ये बात तो सही है, ये कनेक्टिंग स्टेप है ना। सक्सिनाइल कोए इज द ओनली 5-कार्बन इंटरमीडिएट, ये तो बकवास बात है यार। पहली बात तो सक्सिनाइल कोए तो 5-कार्बन होता भी नहीं है, 4-कार्बन हो जाता है क्योंकि अल्फा कीटोग्लुटरेट में 5-कार्बन होता है, एक CO2 वहां से निकल जाती है, तो बकवास हो गया। टीसीए साइकिल अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाली बात बिल्कुल सही हो गई। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसोल, सही हो गया, क्या बात है। A, C और D, चौथा हमारा आंसर बन गया। तो तुम लोग बायोलॉग सही थे, जो लोग चार बोल रहे थे आंसर, आ जाओ सर आ जाओ आ जाओ क्या आ जाओ, हो गया ठीक है, टाटा बाय बाय छुट्टी। देखो रुको रुको जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, 30 क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क है, सारे काम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आंसर की मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक। बाकी टाटा बाय बाय कर लेते हैं मैम इन लोग को, है ना। आ गया क्या, नहीं आ गया, क्या बात है, ठीक है। सो टाटा बाय बाय, तुम लोग को अगर और सेशन चाहिए ऐसे तो कमेंट करो कि हम लोग संडे ऐसा क्विज का कर लेंगे और थोड़ा प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होके आएंगे, ठीक है, और ढंग से हम लोग 90 क्वेश्चन, अच्छे 90 क्वेश्चन नीट पैटर्न पे करेंगे, या तो हम लोग यूनिट वाइज कर लेंगे या हम लोग टॉपिक वाइज कर लेंगे, देख लेना तुम लोग को जैसा पसंद आता है, बट इतनी आबादी में काम नहीं चलेगा। इट द मेयर मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी 500, अगर क्लास कराना है तो हर संडे को, तो 7 बजे तुम लोग फैला देना खबर, नेक्स्ट संडे भी हम लोग क्लास लेंगे इस तरह से, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया तो पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अगर तुम प्लस पे आना चाहते हो, हम लोगों से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो, तो प्लेसिबो कोड यूज़ कर देना, और अभी 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना, उससे ज़्यादा का मत लेना, फ़ायदा नहीं है। और जो बच्चे पूरा साल आगे पढ़ना चाहते हो, 1 ईयर या 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया हम लोगों को भी सेशन लेके तुम्हारे साथ, और हम लोग ज्वाइंट सेशंस और भी करेंगे इफ़ अगर इस चीज़ की डिमांड आएगी हमारे पास, तो सो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। तुम लोग जरूर कमेंट करना कि अगर आपको और ज्वाइंट सेशन चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए या फुल सिलेबस टेस्ट चाहिए, दोनों बता देना, ठीक है। अगर जैसा होगा वैसा कर लेंगे हम, वैसे भी कर सकते कि एक बार सिर्फ +1 का हमने पूरा सेशन ले लिया, एक बार सिर्फ +2 का ले लिया, या सिर्फ एक बार इकोलॉजी का ले लिया, यूनिट वाइज भी कर सकते हैं। सो जैसे तुम लोगों को अभी कंफर्टेबल लग रहा है, जैसे तुम लोगों को लग रहा है कि जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो जरूर बताना। चलो बाय बाय गाइस, सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।